हाई गाइज दिस इज़ मनमोहन भैया एंड इन दिस वेबिनार आई एल बी टीचिंग वैक्टर्स एंड एज यू नो दीज आर नॉट द कम्प्लीट टीचिंग क्लासेस दीज आर रिविजन क्लासेस तो मैं भी इस वीडियो में यही रहेगा मेरा कि मैं वैक्टर्स को पहले रिवाइज कराऊँगा आपको मे बी लाइक से सेवेंटी फाइव मिनट्स अराउंड मैक्सिमम नाइन्टी मिनट्स एंड देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैक्टर्स दैट केम इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम तो स्ट्रक्चर यह कि हर बार एक क्वेश्चन आता है uh, हर पेपर में हर हर बार एक क्वेश्चन आता है आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन काफ़ी पुराना ट्रेंड चला आ रहा है सो वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वक्टर्स एवरी ईयर ई मीनस एग्ज़ाम और क्वेश्चन ऐसा काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है अगर आपने फॉर्मूले अच्छी तरह याद किए हैं थोड़ी प्रैक्टिस की है यू कैन डेफिनेटली डू दैट क्वेश्चन तो उन क्वेश्चनों पे आते हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी में आए हैं लेकिन उससे पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें क्विकली शॉर्ट में जिनको यूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपकी रिवीजन नहीं है तो आपको हो सकता है क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट लगे ले लेकिन आइडिया है कि एक बार रिविज़न करा दूँ मैं चीज़ों की उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा and if you like this uh, video if you like my teaching please uh, like this video and and do comment uh, uh, if you like it so

अब द अदर टेल ऑफ द लेटर शुड बी एट द हेड ऑफ द प्रायर देन जो इनका सम होता है वो होता है वेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टिल द हेड ऑफ द सेकेंड ये देखो ये उनको हेड टिल फॉर्म में लिख दिया हेड टिल कहते हैं टेल इसकी जो सेकेंड वेटर की टेल है फर्स्ट की हेड पे आ गई इसके बाद जो ये एरो है जो टेल से स्टार्ट करता है फर्स्ट की और हेड पे जाता है सेकेंड की दिस इज समू दिस इज ट्राइंग लॉ ऑफ एडिशन सेकेंड लॉ टू एरोज इज पेलरोग लॉ ऑफ एडिशन ए इज लाइक दिस बी इज लाइक दिस एंड इनमें क्या फ़र्क है इनकी टेल्स कॉमन है इस बार दोनों वेक्टर्स की टेल्स कॉमन है तो इस बार ऐड करने का तरीका कंप्लीट द पेलरोग्राम विद ए एंड बी एज एडजाइज देन द डायग्नल पासिंग थ्रू द कॉमन टेल दिस डाइगनल इज द सम ऑफ द टू एरोज तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमें ऐड करना है लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं अगर दो से ज़्यादा वैक्टर हैं तो मैं यूज़ करता हूँ पॉलिकोन लॉ ऑफ एडिशन अगर तो मान लो चार वैक्टर हैं एसे लिखा मैंने बी को हेड फॉर्म में लिख लिया जैसे ट्राएंगुलर लॉ है एंड देन सी ऐसे आ गया आपका सपोज डी ऐसे आ गया तो आपको लिखते चले जाओ उनको वैक्टर्स कैन बी मूव पैरल टू दम सेल्स पैरल मूव करके उनको हेटेल हेटेल कंबिनेशन की फॉर्म में लिखते चले जाओ और उसके बाद जो सम है इन वैक्टर्स का वो है एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टिल द हेड ऑफ द लास्ट ये सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी समीज फोर वैक्टर्स सो दिस इज नोन एज पॉलिंग ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर्स देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर्स सपोज दिस इज वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी ना हाउ इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वॉट वेर इज ए माइनस भी ए माइनस भी देखने आपने टेल्स कॉमन कर ली दोनों की फिर ट्राइंगल कंप्लीट कर लो ऐसे थर्ड साइड बना लो ट्राइंगल ये है ए माइनस भी अगर ये ए माइनस भी है तो उसका हेड ए की तरफ जाएगा यह ए माइनस बी है राइट right? यही अगर b माइनस से मुझे चाहिए होता ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है मुझे डिफरेंस चाहिए इस बार minus b माइनस से नॉट a माइनस बी बी माइनस है b पहले है इस बार तो b पहले है तो मैं जो बनाऊंगा थर्ड साइड ट्राइंगल की जो एरो बना रहा हूँ वो b की तरफ जाएगा ऐसे b माइनस से हो गया अगर हेड b की तरफ है तो b माइनस है हेड a की तरफ है तो a माइनस बी है सो दिस इज़ होबी सप्राइट टू एरोज राइट एडिशन सप्रैक्शन

कि सपोज दिस इज़ मेरा ओ औरिजिन है दिस इज एक्स एक्सेस दिस इज वाई एक्सिस दिस इज जेड एक्सेस एंड वी हैव दिस पॉइंट पी इन स्पेस देन वट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जॉइन पी पॉइंट विद ऑरिजिन जॉइन कर दिया मैंने ऑरिजिन से ये मैंने ओ पी एरो बना दिया तो पॉइंट को औरजिन से जॉइन करना है और उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाना है ओ से पी की तरफ डायरेटेड लाइन सेगमेंट बनाना है तो ये पोजीशन वेक्टर है द पर्पस ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज टू लोकेट पॉइंट इन स्पेस ओ पी को और ये ओ पी वैक्टर हम देखेंगे तो ये इस तरह से आता है ओ पी वैक्टर इफ यू सी दिस एरो दिस इज यू नो एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ पॉइंट पी और साथ में आई कैप है दिस लेंथ इज आई द वेक्टर लॉन्ग एक्सिस इज आई कैप दिस इज पी पी वाई लेंथ दिस इज पी जेड लेंथ इफ आई एड दीस री एरो दिस एरो प्लस दिस एरो प्लस दिस एरोजिंग पॉलीगॉम लॉ ऑफ एडिशन ओ पी इज हॉर्जेंटल कॉम्पोनेंट ओ पी का पी एक्स इंटू डायरेक्शन आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पोजिशन वेक्टर इस तरह से कॉम्पोनेंट से आता है उसके कॉर्डिनेट से ऐसे पोजिशन वेक्टर आता है अगर पॉइंट मेरा ए है अगर ए पॉइंट है मेरा स्पेस में टू वन थ्री तो इसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के क्या तो कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है उल्टा भी अगर मेरे को ये पोजीशन वेक्टर गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स में निकाल लूंगा कैसे कंपोनेंट्स लेने हैं कोपिशंस उठाने आई जे के, के तो कोफिशंट्स आ, जाए, आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट के तो कॉर्डिनेट्स से पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट इज इज अ एरो जॉइनिंग ओरिजिन टिल द पॉइंट एंड डायरेक्शन इज ट्ड द पॉइंट यूज टू लोकेट द पुजीशन ऑफ पॉन स्पेस तो जैसे मेरा अब यह इंपॉर्टेंट है कि मेरा ए बी वैक्टर जो होता है ए बी वैक्टर होता है पुजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पुजिशन वैक्टर ऑफ ए मैं रिप्रजेंट इसको करता हूँ बी वैक्टर से इसको ए वैक्टर से ए बी वैक्टर इज ऑलवेज बी माइनस से रिमेंबर दैट सेम वे एक्स वाई वैक्टर इज वाई माइनस एक्स याद ही करना है ये पुजिशन वैक्टर ऑफ द लेटर माइनस पुजिशन वेक्टर ऑफ द प्रायर वेक्टर पहले लिखना है जो पीछे है देखो ये इसको पहले लिखेंगे और माइनस जो पहले लेटर आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे सो एम एन एस की एन पहले आएगा एन पीछे है तो एन का वेक्टर पहले आएगा आएगा एम के बाद में सो वी यूज दिस रिजल्ट वेरी ऑफन नाउ कोप्लेनर वैक्टर दिस इज वेरी ऑबियस थिंग दैट वेक्टर्स आर यू नो द वेक्टर टू वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर की वेक्टर सेम प्लेन में भी हो सकते हैं डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं राइट right? सो so, अगर ये प्लेन है जैसे मेरा ये वाला प्लेन मैंने बनाया है तो ये एक एरो यहाँ लाई कर रहा है ए तो अगर दूसरा एरो इसके प्लेन के पैरेलल ऊपर भी अभी ये फ्री एरो है फ्री वेक्टर्स है इनको मैं मूव करके बी को मैं प्लेन पे ला सकता हूँ सो बी में सेम प्लेन में आ गया देखो अब सो दिस इज वाट वी से कोपेनर वेक्टर्स बी को पैरली मूव करना मैंने बी को सेम प्लेन पे ले आया तो बी ये कोपेनर वेक्टर्स हो गए और टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे क्योंकि टू वेक्टर्स जब भी दो वेक्टर कहीं हैं तो मैं हमेशा ही कर सकता हूँ दूसरे वेक्टर को पैरली मूव करके प्लेन पे ला सकता हूँ और टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे लेकिन तीन वेक्टर हैं दे माइट बी कोपिनर दे माइट नॉट बी कॉपेनर तो आप देखोगे अगर मैंने दो वेक्टर किए हैं तीसरा वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है प्लेन के बाहर ऐसे है देखो आप इसको अब कैसे नहीं आप इसको प्लेन पे ला पाओगे पैरेलली मूव भी करोगे प्लेन पे नहीं आएगा हाँ ए और सॉरी सी है ये ए और सी का भी प्लेन होगा ए और सी का प्लेन होगा बी और सी का प्लेन होगा ए बी का प्लेन है लेकिन तीनों सेम प्लेन पे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सो थ्री वैक्टर्स कैन भी कोपलेनर और दे माई डॉट भी कोऑपलेनर बट टू वैटर्स आर ऑलवेज को ऑपरेटर हाँ अगर चार हैं पाँच हैं छः हैं तो अगेन दे मे भी कोप्लेनर दे माइट नॉट बी को ऑपलेनर सो वेन वैक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन वी सी कोपलेनर वैक्टर्स सो लीनियर कम्बीशन ऑफ वेक्टर्स लीनियर कम्बीशन विथ वट काइंड रिलेशनशिप इसे लीनियर कम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर आर इज एक्सप्रेस लाइक दिस ये देखो आप ए बी सी सारे अलग हैं इसे लीनियर इक्वेशन होती है लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसमें से लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स है ए बी सी का लीनियर कम्बिनेशन है कि ए बी सी अलग अलग है मतलब उसमें ना तो कोई ये क्रॉस नहीं आना चाहिए देखो आप ये नहीं आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए, चाहिए राइट तो अगर वेक्टर सारे अलग अलग हैं ए अलग है प्लस माने से बीच में बी में प्लस ये, ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन है कोविशन भी हो सकते हैं के वन के टू के थ्री तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी राइट right? और आर इज एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी नो सेक्शन फार्मूला वी यूज इट वेरी ऑफन सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे ये यह मेरा ये सपोज ए बी ये मेरी ये देखो आप ये मेरी ए बी लाइन सेगमेंट है इस पे पॉइंट सी लाइ कर रहा है डिवाइड कर रहा है ए बी को एम एस टू एन रेशो में ए बी को एम एस टू एन रेशो में सी डिवाइड्स अगर मैं लिखूँ इस चीज़ को सी डिवाइड्स ए बी ए बी इन एम एस टू एन रेशो इंटरनली बिकॉज उस पर लाई कर रहा है इंटरनली तो सी वेक्टर क्या होता है हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं एम प्लस एन यहाँ भी एम प्लस एन लिखा आपने अब कंबाइन कैसे करते हैं एम ये रेशियो लिए तो यहाँ से वेक्टर उठाएंगे एम के साथ बी को कंबाइन करेंगे और एन के साथ ए को कंबाइन करेंगे ऐसे लिखना है तो ऐसे याद करना है पॉइंट दैट लाइज ऑन ए बी डिवाइडिंग ए बी इन एम इज टू एन रेशियो कैन बी टेकन लाइक दिस कैन बी रिटर्न यूजिंग सेक्शन फॉर्मला लाइक दिस राइट एन एग्जाम्पल सपोज दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी डिवाइडिंग इन थ्री टू रेशियो मुझे सी लिखना है टू टाइम्स ए क्रॉस कम्बाइन करना होता है प्लस थ्री टाइम्स बी और नीचे सम ऑफ द रेश राइट सी अगर एक्सटर्नल डिविजन है इस बार ऐसे है ए बी सी डि ए सी डिड्स ए बी एक्सटर्नली इसी को मैंने कह दिया सी डिड्स ए बी एक्सटर्नली एम थ्री इस टू टू रेशियो ये थ्री है और इस बार ये टू हो जाएगी तो बस फर्क़ क्या है मैं इस बार बीच में माइनस आता थ्री माइनस टू और थ्री माइनस टू लिखा करना वही क्रॉस कम्बाइन है थ्री सी का डिस्टेंस ए से थ्री के प्रोपोर्शनल है तो आप बी का पोजिशन वेक्टर लो उसके साथ और इसके साथ ए को लो आप समथिंग लाइक दस सी देखो ये आ गया वेन सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली सो वी बीच में माइनस साइन आता है दैट्स हाउ वी राइट नो दीज आर रिजल्ट विच आर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं समाउते आर वेरी इम्पॉटेंट एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कुलिनियर वैक्टर्स नॉन जीरो नॉन कुलिनियर एंड वी हैव दिस रिलेशनशिप बिटवीन ए एन बी वी यूज़ इट वेरी ऑफन कि नॉन जीरो नॉन कुलिनियर हैं और रिलेशनशिप है ए और बी के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं कोविशन एक्स इक्वल टू एल कर दिया यहाँ पर और वाई इक्वल टू एम कर दिया

फ थ्री वैक्टर्स में रिजल्ट है ये थ्री वेटर्स जो कि नॉन कोप्लेनर है अगर वही रिजल्ट जो दो वेक्टर में था वो तीन वेक्टर की बात कर रहे हैं थ्री वेटर्स विच आर नॉन कोप्लेनर नॉट नॉन कुलनर नॉन कोप्लेनर देन वी कैन देयर एक नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वी कैन इक्वेट दे कोवेशन सो ये क्वेश्चन ऑफ़ ए इक्वेट कर दिया क्वेश्चन ऑफ़ बी इक्वेट कर दिया क्वेश्चन ऑफ सी इक्वेट कर दिया तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चन में काम आता है राइट एंड इफ़ यू हैव थ्री वैक्टर्स कोप्लेनर तीनों वैक्टर्स सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं सेम प्लेन में अगर वैक्टर लाइक करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनको उनको पैरली मूव करके ऐसे एक ट्राइंगल डिफाइन कर सकते हैं लेंथ चेंज करके उनकी एल ए कर दिया मैंने इसको राइट right? इसको मैंने एम बी कर दिया इसको मैंने एन सी कर दिया तो वी कैन डेफिनेटली अलाइन ल लाइन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब है लीनियर कम्बिनेशन आ गया देखो ऐसे ये मतलब है राइट right? अगर वेक्टर तीनों सेम प्लेन पर को से है कोप्लेनर हैं देन वी कैन फॉर्म अ लीनियर कम्बीशन बिटवीन दैम दट रिजल्ट राइट वी कैन फॉर्म अ लीनियर कंबिनेशन बिटवीन दम वाइज फर्स इफ यू लीनियर कम्बिनेशन बिटवीन दैम वेटर्स आर को राइट right? जब भी उनमें लीनियर कम्बिनेशन है ए बी सी के अंदर वेक्टर्स आर कोप्लेनर राइट या फिर उल्टा कोपलेनर वैक्टर्स हैंद देन वी कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन दैम ये रिजल्ट यही था राइट तो हम आगे चलते हैं ये रिजल्ट है इस पर क्वेश्चन भी आया था ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर कि एंगल बायसेटर का रिजल्ट है कि दो वैक्टर का एंगल बायसेटर सपोज ए वैक्टर है ये बी वैक्टर ये है इसका इंटरनल एंगल बायसेटर जो लाइन होती है इसके अलॉन्ग वैक्टर लेना है तो लेमडा ए कैप प्लस बी कैप ध्यान रखना एक कैप है ये यूनिट वैक्टर्स को एड करना ध्यान रखना लेमडा ए कैप प्लस बी कैप एंगल इंटरनल एंगल बाय सेक्टर है टेल्स कॉमन है ध्यान रखना टेल्स कॉमन होनी चाहिए एक ए और बी की अगर टेल्स कॉमन है देन एंगल बाय सेक्टर ऑफ देम कैन बी टेकन एज टाइम्स ए के प्लस एनी वेक्टर पैरल टू एंगल बाय कैन बी टेकन एज यूनिट वेक्टर चाहिए ए के प्लस बी के डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्या प्लस बी के प्लस माइनस भी लगा लेते हैं उल्टा भी हो सकता है सो दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एंगल बाय व्हेन द टेल्स आर कॉमन अगर हमें इसमें क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड द अदर एंगल बाय ये निकालना है तो ये निकालना है तो ये टेल्स कॉमन करो टेल्स किसकी कॉमन होंगी बी की और माइनस ए की

प्लस माइनस ए कैप ये आ गया दिस इज द क्यू वेक्टर और ये मेरा पी वेक्टर आया था अगर मान लेते हैं इस तरफ पी है मेरा ये आपने याद करना है अगर यूनिट वेटर चाहिए तो ये आ गया यहाँ पे यूनिट वेटर चाहिए क्यू कैप चाहिए आपको तो ये आ जाएगा बी कैप माइनस ए कैप ओवर मॉड बी कैप माइनस ए कैप उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया तो एंगल बैसेटर का फॉर्मला है वॉल्यूम ऑफ अ अभी अभी फॉर्मूला देख लो अभी बाद में देखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप का फार्मूला होता है कि पैरलोपाइप ये होता है जिसके सारी सारे सरफेसेस पैरोग्राम है आगे आएगा अभी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है अभी आ, अभी आगे आएगा बाद में पढ़ लेते हैं अभी छोड़ देते हैं इसको राइट सो नथिंग दिस नॉट दैट ग्रेट आगे चलते हैं वी नॉट स्टडी एवरीथिंग सो ये हमने जो पीछे रिजल्ट पढ़ा है अभी उस पर एक अभी मैंने क्वेश्चन पिक किया जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए बी सी बी थ्री वैक्टर्स

वो है ए का कुलीनियर है के टू ए लिख लिया ये मतलब था कुलनियर वेक्टर हैं दो तो उसको लिख सकते हैं फर्स्ट एज के टाइम्स ऑफ अदर एंड आर कुलीनियर वन कैन बी रिटर्न एज के टाइम्स ऑफ अदर ये मैंने किया ए प्लस बी सी का क्वीनियर था ऐसे लिख लिया बी प्लस सी ए का कुलीनियर ऐसे लिख लिया अब मुझे क्या करना है मुझे इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा मैं क्या एलिमिनेट कर सकता तो हूँ मैं सप्रैक्ट कर दूंगा देखो बी एलिमिनेट हो जाएगा क्यों करने भी समय आएगा सप्ट्रैक्ट करा तो आ गए ए माइनस सी यहाँ पर आ गया के वन सी माइनस के टू ए राइट अब मैं इनके कोविशंस इक्वेट कर सकता हूँ कोवेशन इक्वेट करें तो मैंने क्या आ गया माइनस के टू इक्वल टू वन आ गया और के वन भी माइनस वन आ गया इक्वेटिंग द कोविशंस ऑफ ए एन सी एन आई केन इक्वेट द कोविशंस ऑफ ए एन सी बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी बिटवीन टू वेटर्स विच आर नॉन जीरो एंड नॉन क्विनियर गिवन ए क्वेश्चन में नॉन कुलियर है कोविशंस को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से ये आ गया जब मैं इसको प्लग इन करूँगा इसके अंदर माइनस वन को के वन को माइनस वन प्लग इन किया मैंने तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा राइट right? जो इजी क्वेश्चन था जो भी हमने लिखा था उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी शुरू कर दी लिखा था ए प्लस बी सी का क्वीनियर है के टाइम्स कर दिया बी प्लस सी ए का कुलियर है के टु, के टु कर दिया और फिर सपरेट करके ए और सी में इक्वेशन आ गई और वो नॉन नॉन कुलियर वैक्टर्स हैं कोविशन से इक्वेट कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट कई बार यूज होता है इसका मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे उठाया है कि आपको आइडिया लग जाए क्या है ये क्वेश्चन इज लाइक दिस सी इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन क्विनियर वैक्टर्स हैं एंड वी हैव अ लीनियर कम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी नॉन जीरो नॉन कुलीनियर है उनके कोविशंस को इक्वेट कर सकते हैं हम right? राइट क्योंकि नॉन जीरो नॉन कुलीनियर है इक्वेट किया मैंने कॉवेशन को तो पहले इक्वेशन आ गई टू एक्स माइनस वाई इक्व टू फाइव और सेकेंड इक्वेशन आएगी फोर इक्वस टू एक्स माइनस टू वाई ये दो इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है हमने राइट right? तो आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर लिया ई इक्वल टू फाइव है सेकेंड को टू से मल्टीप्लाई किया टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एट है एंड देना सेपरेट सेपरेट करेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस वन आ गया वाई को माइनस वन पिक करेंगे तो एक्स थ्री आ गया एक्स तो टू आ गया राइट right? तो ये हमने सॉल्व कर लिया उनका सम निकालना था तो वन आ गया एक्स प्लस वाई का सम निकालना है तो क्वेश्चन मैंने जल्दी में किया है क्योंकि यू you नो know, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं रिवाइज करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट सो इट्स इट्स्यूज डिफरेंस इफ आई वुड हैव हैव बिन टीचिंग दिस आई वुड टेकन सो मच टाइम टू टीच ऑल दिस तो हमने एक इक्वेटर इक्वेशन है दो वेक्टर में जो कि नॉन कोलिनियर हैं उनके हम कोविशंट्स को इक्वेट कर सकते हैं कई क्वेश्चन में काम आएगा ये कोविशंस को इक्वेट करके स्किलर इक्वेशन बना सकते हैं दोनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है नाउ विल गो टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स या हम मल्टीप्लीकेशन किसको कहते हैं दो ऑपरेशन को डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट बी को और ए क्रॉस बी को तो हम पहले ए डॉट बी पढ़ेंगे इट्स अ वे ऑफ कंबाइनिंग टू वेक्टर्स सच दैट रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि दो वेक्टर को कंबाइन करना कंबाइन करके जो मुझे वेटर मिला है वो स्केलर क्वांटिटी है मॉड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी उनके बीच का एंगल का कॉस लेना है और एंगल बीच का कैसे देखते हैं जब उनकी टेल्स कॉमन है देखो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है जब टेल्स कॉमन हो गई हैं तब मैंने यारो देखना है और कौन सा एंगल लेना है ये कौन के एगल लेना है शॉर्टर ऑफ द टू एंगल्स लेना है राइट ये वाला एंगल लेना है अगर ऑप्टू एंगल है उनके बीच में जैसे ऐसे है, तब आपने भी यही यही एंगल लेना है राइट ये वाला एंगल लेना है कॉन्वेक्स एंगल नहीं लेना है ये लेना टेल्स कॉमन होनी चाहिए तो ये एंगल की जो रेंज आती है वो जीरो भी हो सकता है मैं वेटर्स आर पैरल या पाई भी हो सकता है मैं वेटर्स आर एंटी पैरल सो पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर आपके दिमाग में ये लेने की बात आ रही है तो गलत है क्योंकि पाई से ज़्यादा है आपको ये कॉन्वेक्स एंगल लेने की बात आ रही है तो गलत है क्योंकि ये पाई से ज़्यादा है सो हमें वही एंगल लेना है बिटवीन टू एरोज वैन द टेल्स आर कॉमन विच इज़ अ शॉर्टर एंगल और विच इज़ यू नो अ कॉन्केव एंगल विच लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई सो so, ये मेरा ए डॉट बी क्वान्टिटी स्केलर कोंटिटी के एक वाले राइट तो ए डॉट बी के साथ हमें देखना है कि ये ज़ीरो कब होता है ज़ीरो जब होता है या तो ए ज़ीरो हो जाए वेक्टर ज़ीरो हो या बी जीरो हो या फिर उनका जो कॉस्ट थीटा था वो जीरो हो जाए देखो ये जीरो मैंने यहाँ पे ये जीरो किया ए जीरो हो गया बी जीरो हो गया या कॉस् थीटा जीरो हो गया मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय टू हो गया वेटर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है आता तो है आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि दो वेटर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो हो अगर डॉट जीरो है तो वेटर्स परपेंडिकुलर है उल्टा भी कहना है डॉट अगर जीरो है तो वेटर्स परपेंडिकुलर है तो आगे बढ़ते हैं इसमें इसमें हमने देखना अगर वेक्टर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर ऐसे ए वन आई कैप ए टू जे कैप ए थ्री के कैप एंड अदर वेक्टर इज़ ऑल्सो इन कॉम्पोनेंट फॉर्म बी वेक्टर भी कॉम्पोनेंट फॉर्म में है एंड मुझे उनका डॉट लेना है डॉट प्रोडक्ट करना है तो फॉर्मूला ये बनता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डॉट मल्टीप्लाई करना है और सम करना है दिस इज द फॉर्मुला फॉर फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म आई का कॉम्पोनेंट आई से मल्टीप्लाई किया एवन बी वन जे का जे से किया के का के से किया एड कर दिया फॉर्मला याद रखना है और देखना है अपने आई डॉट जे क्या होता है जीरो बिकॉज एक एक्सिस है एक वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर है डॉट जीरो हो गया सेम वे जे डॉट के ज़ीरो है राइट के डॉट आई इक्वल टू ज़ीरो है चीज याद रखनी है आपने लेकिन मैं आई डॉट आई करूंगा एक्स एस का एक्सएस डॉट ले रहा हूं मैं तो यूनिट वेक्टर आई के पास यूनिट वेक्टर तो ये वन हो जाता है राइट सेम वे आपने याद रखना है जे डॉट जे वन है के डॉट के वन है और आपने ये देखना है कि यू नो ए डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट एट फॉलोज अमिटेटिव लॉ राइट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए और, और साथ में देखना कुछ एक प्रॉपर्टी में सारी तो लिस्ट नहीं बना सकता हूँ ए टाइम्स एल डॉट बी इक्वल टू एल टाइम्स ए डॉट बी स्केलर को बाहर ला सकते हो आप राइट ऐसा ही एल वन एन टू एल टू बीस एल वन एल टू ए डॉट बी को बाहर ला के ये आपने खाली वेटर्स का डॉट बना लिया वेटर्स के आगे जो तो स्केलर लगे थे उनको बाहर पुल कर लिया काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी यूज वेरी ऑफन जस्ट अ मिनट now <clears throat> we'll move further so this this is the list of the properties some of them i already discussed so right कुछ जो बज गई होंगी आप इसमें से पढ़ लेना ये प्रॉपर्टी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला एंगल बिटवीन ये इस बार क्वेश्चन आया भी है इस पर और हर बार यूज़ होता है ये फॉर्मूला कि अभी हमने देखा था कि ए डॉट बी क्या है मॉडे मॉड बी थीटा तो एंगल बिटवीन टू एरोज निकालने का फॉर्मूला जो कि बहुत ही काम आता है काफ़ी क्वेश्चन में काम आएगा और कॉन्सेप्ट पढ़ने में भी काम आता है कि दो वेटर का एंगल निकालना है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं हम कहते हैं यहाँ से ये यह थीटा क्या हो गया ए डॉट बी ओवर मॉडे मॉड बी ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड एंगल बिटवीन टू एरो राइट तो ये इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखो आप ये रिजल्ट यूज़ करते हैं जैसे काफ़ी क्वेश्चन में गिवन होगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो ये भी इस बार जो क्वेश्चन आया है जय में उसमें यूज़ हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्को टू जीरो तो हम क्या करेंगे वेटर्स का सम जीरो है तो मतलब उसका मॉड भी ज़ीरो होगा मॉड लेके जीरो कर दिया और फिर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है इज सेम एज ए प्लस जी प्लस सी होल स्क्वायर जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है वो होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये प्रॉपर्टी लगानी ये भी जीरो हो गया ये मैं अभी राइट right, तो मैंने अभी ये यूज़ करना है इस ये क्वेश्चन हमें यूज़ करेंगे हम ऐसे तो यहाँ से ये जो लिखा है मैंने ये इंपॉर्टेंट था किस तरह से मॉड लेके स्क्वायर कर दिया मॉड लिया स्क्वायर कर दिया मतलब इसका बीच का स्टेप लिखा नहीं मैंने ज़रूरत नहीं थी अदरवाइज ये किया मैंने मॉड इसका डॉट खुद से ही ले लिया ये yeah. और फिर हरे टर्म वाइज सबको मल्टीप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ इस उसके उससे ये रिजल्ट आया है क्योंकि बिकॉज अगर मॉड का स्क्वायर वे, एरो वैक्टर का ए डॉट ए होता है ए डॉट एम एज मॉड ए स्क्वायर वो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई कुछ प्रॉपर्टीज और दी हैं वो आप एक बार पढ़ लेना बट काफी हमने डिस्कस कर लिए हैं दिस इज अ क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ फील दे रहा हूँ कोई सब फंडामेंटल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए अगर ये कर लिया तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा एंगल निकालना है बीच में अगर मैं कह रहा हूँ ये ए एरो है ये मेरा B एरो है तो डॉट लेना आ गया A डॉट B डिवाइड बाय बाई A मॉड B करना है ये मेरा कॉस थीटा आ जाएगा तो जैसे भी थीटा निकालना है तो मैं कॉस इनवर्स ले लूँगा तो A डॉट B करना है मैंने बताया था क्विकली कर लेते हैं A डॉट B कैसे होता है लिखना नहीं है थ्री थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व हो गया ये भी और जे का जे कॉम्पोनेट माइनस सिक्स हो गया के का के कॉम्पोनेट लेना है वो भी माइनस सिक्स है डिवाइड ये करने की ज़रूरत नहीं है मॉडे मॉड भी लेने की ज़रूरत नहीं है डिनोमीटर में क्योंकि ये ज़ीरो आ गया है टा जीरो आ गया वैक्टर्स पर है कॉस थीटा इक्वल टू नाइनटी हो गया तो डॉट कैसे लेना आई का आई से मल्टीप्लाई करना है कोविशन ऑफ जे विदिशन विद के ऐड कर दिया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फैक्टर ऑन दिस फैक्टर तो एक ये चीज आपने देखनी है प्रोजेक्शन वाली बात आई uh, नहीं थी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ मैं एक बार की ये जोट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है कि ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है हम कहते हैं ये मेरा जो लेंथ हो जाती है ये मेरी लेंथ है ये वाली लेंथ ये आती है मोड ऑफ ए थीटा ये थीटा एंगल है और इसको मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूँ मोड ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड विद मोड बी करके ये बोन्यूमरेटर बन गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी इसको फिर मैंने ऐसे लिख लिया ए डॉट b के साथ मॉड b लिया है तो ये मेरा बन जाता है ए डॉट बी कैप तो ये आपने याद करना है कि ए डॉट बी कैप क्या है ये लेंथ है अगर मैंने इसको ओ का है इस पॉइंट को एन का है ओ एन है और ओ एन क्या है ये यह प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है वॉट इज दैट ए डॉट बी कैप तो ये जोटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट की कि दो वेक्टर का डॉट का मतलब क्या है इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर एक वेक्टर की दूसरे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन मतलब यहां से प्रपेंडी ड्रॉप किया यहां से प्रपेंडी ड्रॉप किए बीच की लेंथ लिए प्रोजेक्शन लेंथ है ये तो वो क्या आ रही है ए डॉट बी कैप तो ये ध्यान रखो ए की प्रोजेक्शन बी पे है अगर मैं कह रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई तो ध्यान रखना एक्स को लेंगे वेक्टर और वाई को लेंगे डायरेक्शन एक्स डॉट वाई उल्टा मत कर देना एक्स के प्रोजेक्शन वाई पे है तो एक्स डॉट वाई क्या पाएगा अगर एक्स के प्रोजेक्शन वाई पे है तो एक्स डॉट वाई क्या पाएगा ये ध्यान रखना राइट ये रिजल्ट है मेरा अगर प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए वो तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है प्रोजेक्शन वेक्टर दे दो भाई वो हो गया एक्स डॉट वाई कैप और डायरेक्शन क्या आएगी मेरी वाई कैप ही तो है मतलब वाई पे प्रोजेक्शन लिए तो वाई कैप डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे ये प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा ओ एन वेटर क्या आएगा ओ एन वेटर, वेटर आएगा ए की प्रोजेक्शन बी पे है ये लेंथ आ गई और मैंने बी कैप से मल्टीप्लाई भी कर दिया डायरेक्शन आ गई तो प्रोजेक्शन वेक्टर बन गया अभी ये एक नंबर है ए डॉट बी कैप ये एक नंबर है हमने साथ में वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर है तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ के अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस तो मुझे ए डॉट बी कैप करना है इसमें ये देखो आप ए डॉट बी कैबी सेम एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड बी और वेक्टर निकालना है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी तो ये इनमें निकाला है कौन सेम ही है वो कम्पोनेट है फे अलॉन्ग भी अब वो कॉम्पोनेंट ऑफ एलॉन्ग भी है तो वेटर एक्सपेक्ट कर रहा है ये खाली प्रोजेक्शन मांगा था यहाँ पे या वेटर एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा मैं ए डॉट बी कैप करके साथ में बी कैप डाल दूँगा ये आ गया कॉम्पोनेट ऑफ एलॉन्ग भी आ गया मतलब कॉम्पोनें वेटर चाहिए इसके मतलब कॉम्पोनेंट चाहिए मतलब वेटर चाहिए अगर प्रोजेक्शन बोलते हैं तो प्रोजेक्शन लेंथ चाहिए होती है कई बार ये ध्यान रखना अगर नेगेटिव आ गया अगर आपने आंसर निकाला प्रोजेक्शन माइनस फाइव आ गया तो आंसर अगर चॉइस में आंसर नहीं है तो मॉड ले लो इसका प्रोजेक्शन क्योंकि हम नेगेटिव नहीं मानते हैं प्रोजेक्शन इज काइंड ऑफ अ लेंथ उसको हम पॉजिटिव लेते हैं राइट तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन आपने ए डॉट बी के अब लिया है वो नेगेटिव आ गया चॉइस से मैच नहीं कर रहा है तो मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्शन मींस पॉजिटिव क्वान्टिटी जस्ट कीप दैट इन माइंड दिस वी सी दिस क्वेश्चन ए एंड बी आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ए डॉट बी जीरो हो गया क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट जीरो होता है देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंड बी तो दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा तो मैंने जूम कर दिया आपको थोड़ा तो बेटर नजर आ जाए तो एक राइट तो मुझे इस वेक्टर की यह है क्या एल ए बाय ए कैप लिख लेते हैं ए बाय मॉडर इज ए कैप ये वेक्टर इसकी मुझे ये है प्लस एम बी कैप प्लस एन ए कैप क्रॉस ए क्रॉस बी का कैप ये वेक्टर है इसकी मुझे प्रोजेक्शन लेनी है किस पे बाई पे राइट किस पे बायसेक्टर ए और बी का वो क्या होता है ए कैप प्लस बी कैप ये बायसेक्टर होता है उसको डायरेक्शन प्रोजेक्शन में मॉड से डिवाइड भी करना पड़ता है ध्यान रखना ये है क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो इस वेक्टर की इससे प्रोजेक्शन लेनी है अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं हर टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं एक कैप को पहले मल्टीप्लाई किया एक कैप से वन हो गया खाली एल बच गया देखो आप क्योंकि ए कैप डॉट ए कैप वन हो गया एल बच गया खाली फिर मैंने इसी का बी कैफ से डॉट लिया तो जीरो हो गया बिकॉज डॉट बी कैफ इज जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स जीरो हो गया वो फिर मैंने ये सेकंड कंपोनेंट लिया इसका डॉट मैं ए से लूंगा वो जीरो हो रहा है राइट इसका डॉट मैंने ए से लिया तो जीरो है बिकॉज ए डॉट बी इज जीरो इसका डॉट मैंने बी से लिया तो बच जाएगा बी डॉट बी वन हो जाएगा एम बच गया राइट फिर मैंने थर्ड वेक्टर उठाया यहाँ से इसका मैं ए से डॉट लूंगा तो वो जीरो है ये देखना आप मेरा ए क्रॉस बी है राइट right? डायरेक्शन है इसका मैंने डॉट लिया किस A है किससे ए कैप से ये ज़ीरो होता है क्यों क्योंकि अभी अभी आगे भी पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने पहले अभी पहले ये देख लो कि ये मेरा ए ए वेक्टर है ये मेरा बी वेक्टर है प्लेन पे उस ए क्रॉस बी क्या होता है नॉर्मल ऑफ देयर प्लेन अभी पढ़ना है हमें तो थोड़ा आगे जाके ए क्रॉस बी इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी ए और बी का जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी तो ऑफ कोर्स वो ए के परपेंडिकुलर भी है बी के परपेंडिकुलर भी है क्योंकि नॉर्मल है प्लेन का वो सो ऑब्वियसली यहाँ से पस, पता चल रहा है ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू तो ए है ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू तो बी है तो जब भी वेटर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट जीरो होता है ये ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं जब भी ये वेक्टर रिपीट हो रहा है यहाँ वेक्टर ए रिपीट हो रहा है वेक्टर बी रिपीट हो रहा है तो डॉट ज़ीरो होगा अभी आगे पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये ज़ीरो होगा अगर वेक्टर रिपीट करता है कि एक की एक हुजा, रिपीट हो रिपीट हो जाती है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये स्केलर प्रोडक्ट है जीरो हो जाएगा तो यहाँ से ये थर्ड कॉम्पोनेंट हमारा ये भी जीरो हो गया है कि रिपीट कर रहा है ये जीरो हो गया बी रिपीट कर रहा है दोनों जीरो हो गए देखो आप क्योंकि ये ये नॉर्मल है प्लेन का और ये वेक्टर दोनों प्लेन पे हैं डॉट जीरो होगा रह गया मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है सिम्प्लीफाई हो गया फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि हमें ये भी करना पड़ेगा इसमें कि एक इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे मैंने इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट भी ले लिया अभी जो पढ़ा था हमने स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लिया मैं स्क्वायर को कैसे लिखूँगा मॉड ए के स्क्वायर मॉड बी केफ स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप ये से अब निकल जाएगा मेरा ये वन है ये वन है ये ज़ीरो है रूट टू आ गया तो लेंथ भी निकालनी थी रूट टू आ गया राइट right? तो ये आंसर आ जाएगा एल प्लस एम बाय रूट टू तो यहाँ हमने प्रोजेक्शन वाला फॉमूला भी यूज़ किया है कि वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर लेनी है तो वेक्टर डॉट विद द डायरेक्शन अदर डायरेक्शन सो ए डॉट बी के पेज ए की प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में वो हमने यूज़ किया और हमने एंगल बाय सेटर वाला फॉमुला भी यूज़ किया यहाँ पर एंगल बाय सेक्टर जो पढ़ा था हमने ना दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ वट वी डू इन दिस क्वेश्चन टू प्रूव दिस कि यहाँ पे मैं जब भी मॉड फॉर्म आ रही है और मुझे डॉट फॉर्म की बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉड फॉर्म को डॉट में कन्वर्ट करना है तो अभी मैं पिछले दो क्वेश्चन में करा है मैंने अभी दो अभी बताया आपको कि स्क्वायर कर लो पहले डॉट फॉर्म आ जाती है ये बन जाता है लिखने की जरूरत नहीं है मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक कैप ए प्लस भी डॉटेड विद ए प्लस भी बनाइए और ये बना ए माइनस भी डॉटेड विद ए माइनस भी लेकिन इसका हम रिजल्ट याद रखेंगे ऐसे नहीं करेंगे रिज़ल्ट क्या होता है इसका यहाँ सीधा मॉडे स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी यहाँ भी सेम रिजल्ट है हमारा मॉडे स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी तो यहाँ पे मॉडे स्क्वायर कैंसिल होगा दोनों साइड से देखो मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से तो आ जाएगा फोर टाइम्स ए डॉट बी इक्व टू जीरो दैट इज ए डॉट बी इक्व टू जीरो मीन्स ए परपैंडिकुलर टू बी ये प्रूव हो गया राइट right? तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है हमने हमने ये पहले ही किया था पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था इसका स्क्वायर क्या होता है ऐसे ही हमने भी यहां पे देखा a प्लस बी के मोड का स्क्वायर क्या है या a माइनस बी के मोड का स्क्वायर क्या है ये हमने रिजल्ट देखे हैं जो काम आते हैं राइट आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अगेन आई विल से क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड तो मेरा ये है तीनों परपेंडिकुलर है ए ए डॉट बी जीरो बी डॉट सी जीरो सी डॉट ए जीरो बिकॉज तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ये गिवन है साथ में मॉड इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू के है लेंथ भी तीनों की सेम है शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू दिस थ्री एंगल्स दीसरी वेक्टर्स तो मुझे मैंने एंगल थीटा वन निकाल लिया एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए ये मैंने निकाली डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ मॉड ये तो मैंने फिर कॉस्ट बहुत क्वेश्चन सिंपल आ गए इसको मैं ओपन किया मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये वन ओ ए मॉड ए आ गया डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी का मॉड मॉड ए ये ए डॉट बी जीरो डॉट सी जीरो

इसका बी से एंगल लेना है तो बी से डॉट लेके मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड बी इसमें न्यूमिनेटर में क्या बचेगा ये जीरो ये ये वन ये के है और आ, के स्क्वायर है सॉरी और ये फिर जीरो है तो ये के स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड बी स्क्वायर लिख लो अभी मॉड बी स्क्वायर यहाँ मॉड बी है कैंसिल हो गया रह गया तो ये सेम हो गया इजी क्वेश्चन था इसको के ऊपर मॉड बी भी, भी किया है के के इक्वल है ये आ गया देखो सेम मैच कर गया कॉसिटा वन इक्वल टू कॉसिटा टू हो गया सेम वे थर्ड एंगल भी सेम होगा ये आपने शो करना है तो प्रैक्टिस है जो हमने पढ़ा है कि खाली क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो मैंने मॉड का स्क्वायर कर दिया राइट right, मॉड भी जीरो होगा स्क्वायर भी जीरो होगा और यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी मॉडे स्क्वायर अभी बताई थी मैंने मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो इस क्वेश्चन में ये गिवन है और ये मैंने सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी मॉड ए मुझे गिवन है थ्री मॉड बी गिवन है वन थ्री का स्क्वायर मॉड सी फोर है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन टू टाइम्स मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है सो के मान लिया के की वैल्यू निकालनी है तो के यहाँ से आके बाकी सब उधर ले जाके ये नाइन प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स बाई टू माइनस थर्टीन राइट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज़ करके मेरा उसमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आए उसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन में यूज़ होगा अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया है तो छोटी छोटी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं देखो रजिस्ट्रेशन है मतलब तो बिल्कुल आपने भी वी एम सी में पढ़ाई करी है तो रजिस्ट्रेशन क्या होगा नहीं भी करिए तभी इतना बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली आपने किया होगा अब सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिजल्ट वी यूज इन सम क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इट सेज दैट कि अगर ये मेरा ए वैक्टर है ये बी वैक्टर है ये आपने देख ही लिया था कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी ए डॉट बी क्या उसकी लेंथ है प्रोजेक्शन की और डायरेक्शन डाल देंगे साथ में तो ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर ये वेक्टर बन गया ये तो पता है कि कॉम्पोनेट ऑफ ए एलॉन्ग बी है ये लेकिन ये वाला कॉम्पोनेट लिखना है कॉम्पोनेट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी है क्या ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी ये कॉम्पोनेंट लिखना है तो मुझे क्या करना है माइनस ही करना है देखो अभी डिफरेंस हमने पढ़ा था शुरू में कि दो वेक्टर हैं टेल्स कॉमन है डिफरेंस क्या होगा थर्ड साइड होगी तो ये जो एरो है ये डिफरेंस है ये कैसे लिखूंगा मैं ये जो ये इक्वल टू क्या होगा ये ए में से माइनस करूंगा ए में से माइनस करूंगा ये वाला वेक्टर अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो ये एम वेक्टर है ये एन वेक्टर है मुझे थर्ड साइड बना दिया ज्वाइन कर दिया एन की तरफ एरो बनाया वो होगा एन माइनस एन एम की तरफ होता तो एम माइनस एन होता ये एरो ऊपर ए की तरफ जा रहा है तो ए में से माइनस कर दिया ये वाला वेक्टर विच इज़ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आई तो ये कॉम्पोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू बी है और पैरेलल टू बी अलोंग बी और पैरेलल टू बी क्या ये है एक ये लेंथ निकाली प्रोजेक्शन लेके साथ में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉम्पोनेंट है जो ए का पैरल टू बी है समझने ऐसे लिख लिया ए का कंपोनेंट पैरल टू बी ये है ए का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू बी ये। ये, ये था वेक्टर को रिजोल्व इज अ प्रोजेक्शन वेक्टर परपेंडिक माइनस करके निकाल लिया तो ये कई बार क्वेश्चन में हेल्पफुल होता है करने में ये तो कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे अभी हमें ना विल मूव टू द वेक्टर प्रोडक्ट अ क्रॉस प्रोडक्ट नाउ इट्स अ वे ऑफ कंबाइनिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अब ये जो क्रॉस है इस तरह से कंबाइन किया टू वेक्टर्स को कि इनको क्रॉस करने पे एक स्केलर क्वांटिटी नहीं आती वेटर क्वांटिटी आती Whereas, product, product, है एज वेन वी टुक डॉट प्रोडक्ट वैन वी स्टाइड डॉट प्रोडक्ट वी सेड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एक नंबर है मॉड ए मॉड बी थीटा ये वेक्टर बनेगा इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ क्या होती है मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इन साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी एंगल इस बार साइन लेना है ए और बी के बीच में जो एंगल है कॉस नहीं साइन लेना है इस बार ये लेकिन लेंथ है इसकी डायरेक्शन क्या होती है डायरेक्शन भी होगी इसकी क्योंकि वेटर क्वांटिटी है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी और डायरेक्शन कैसे लेते हैं जैसे ए वैक्टर ये है बी वैक्टर ये है तो मुझे ये थीटा एंगल इनके बीच में मुझे ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस इसमें हमने फिजिक्स इस में किया होगा राइट हैंड थंब रूल है राइट हैंड यूज़ करना है फिंगर्स को फोल्ड करना है ए से बी की तरफ पहले तो 90 डिग्री एंगल बनाना है बिटवीन योर फिंगर्स एंड थंब एंगल शुड बी 90 देन फोल्ड योर फिंगर फ्रॉम हेड ऑफ ए टू हेड ऑफ़ बी एंड देन सी द डायरेक्शन इन विच थम थम गोस डायरेक्शन ऑफ थम इज अ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी राइट जो थम की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है फिंगर्स को फोल्ड करना है ए से बी की तरफ और जो थम की डायरेक्शन होगी वो है तो यहां अगर मैं फिंगर्स को फोल्ड करूंगा head of A to head of B ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ कैसे आ रही है आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है आउट ऑफ दिस प्लेन आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है ऐसे आउट ऑफ द प्लेन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है तो उसको मान लो मैं कह देता हूँ कि आउटवर्ड नॉर्मल इज के कैप अब मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखता हूँ मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन तो इस पर फर्क हो गया मुझे राइट right, क्योंकि मुझे बी से a की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करना है तो फिंगर्स को ऐसे बी से ए की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा नीचे की तरफ जाएगा थम फिंगर्स को फोल्ड करना हेड ऑफ़ ए टू हेड ऑफ़ बी टू हेड ऑफ ए क्योंकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन चाहिए बी के हेड से ए की हेड की, की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करना है और डायरेक्शन थम भी से डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस है तो वो आता है माइनस के के और लेंथ देखेंगे बी क्रॉस ए की तो वो वो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो तो मॉडे मॉडी एंगल बिटवीन एंगल भी सेम है थीटा साइन थीटा सेम है तो ये लेंथ सेम है इनके बीच में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां से रिजल्ट बनता है इसमें ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए सो इट डजन फॉलो द कॉम्पिटेटिव लॉ कॉम्पिटेटिव लॉ नहीं फॉलो कर रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है अगर आपने आगे ऑर्डर चेंज किया है बी को आगे ले गए ए को पीछे तो माइनस आ गया ध्यान रखना वेरी ऑफन वी यूज दिस रिजल्ट ये साथ में अगर देखना है, जीरो कब होता है ए क्रॉस बी ये जीरो तब होगा या तो क्योंकि फॉर्मुला इसका ये है मॉडे मॉड बी साइन थीटा टाइ राइट तो ये ये जीरो कर दिया हमने लेंथ जीरो कर दी उसकी डायरेक्शन तो जीरो होती नहीं है लेंथ जीरो कर दी या तो ये जीरो होगा मतलब ए जीरो है ये जीरो का मतलब वेक्टर बी जीरो है अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो साइन थीटा जीरो हो गया साइन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो हो गया वैक्टरस पैरेलल हो गए या फिर थीटा पाई हो गए एंटी पैरेलल हो गए तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है या तो वेक्टर ऐसे होंगे पैरेलल होंगे एंगल जीरो इनके बीच में या फिर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एंगल पाई इनके बीच में वन एटी डिग्री है राइट right, तो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि रिविजन कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं तो अपने अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस क्लास से पहले नहीं पढ़ा है दिस माइट नॉट बी द राइट लेक्चर फॉर यू दिस नॉट द वे टू स्टडी इफ यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम हैव यू डोंट रिमेंबर एनी थिंग ये तो हमारा पढ़ा है सब दिमाग में है बस वो क्विकली रिवाइज कर रहे हैं राइट दैट्स दैट्स वॉट डूइंग डूइंगर तो ये मेरा एक रॉस बीज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस इंपॉर्टेंट है और ज़ीरो कब होता है एक क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो कब होगा डॉट जीरो कब था जब वेट्रस पर थे ये जीरो कप है जब वेट्रस पैरल है क्योंकि साइन थीटा जीरो हुआ है थीटा जीरो होगा या थीटा पाई होगा पैरल है वेक्टर्स या एंटी पैरल है दो तो केस बनते हैं जैसे मैंने बताया राइट अब अब यहाँ पे रिजल्ट हम ये देखते हैं एक्सेक्स को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे फिंगर्स को पॉजिटिव एक्सेक्स से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा थम जेट एक्सिस की तरफ जाता है तो आई क्रॉस जे के बन जाता है सेम वे जे क्रॉस के आई बनता है और के क्रॉस आई जे बनता है ये साइकिल में अगर ऐसे है ये आई कैप है जे कैप है ये के कैप है एंटी वाइज ऑर्डर है तो ये हमेशा ये देखो एंटी वाइज ऑर्डर आई टू जे टू आई टू जे आई, आई क्रॉस जे के बनेगा आई क्रॉस जे के बनता है जे क्रॉस के आई बनता है के क्रॉस आई जे बनता ऐसे है ऐसे ये ध्यान रखना ये ऑर्डर है उल्टा हो जाएगा मैं कहता हूँ जे क्रॉस आई कर दूँ आई क्रॉस जे की जगह इस बार आप एंटी क्लॉक वाइज नहीं जा रहे जे क्रॉस आई मतलब क्लॉकवाइज आ रहे हैं जे से आई की तरफ आ रहे हैं क्लॉक वाइज आ रहे हैं क्लॉक वाइज आ रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ता है माइनस के कैप होगा के कैप नहीं है माइनस के कैप है तो रिमेंबर दैट कि अगर आपने आई जे के का ऑर्डर एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस नहीं आता आई क्रॉस जे के जे क्रॉस के आई के क्रॉस आई जे ऑर्डर चेंज हो गया आई क्रॉस के कर दिया आपने के क्रॉस आई तो जे था आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे हो जाएगा तो ये ध्यान रखना सेम वे आपने आ, जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दिया तो ये माइनस आई हो गया तो ये ध्यान रखना ये यह माइनस नहीं आया माइनस आया क्योंकि डायरेक्शन आपने रिवर्स में कर लिया अगर वेट्रेस कॉम्पोनेंट फॉर्म में होते हैं देन ए क्रॉस भी हम इस रिजल्ट से निकालते हैं आई जे के इन फर्स्ट रो कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन सेकेंड रो इन कॉम्पोनेट्स ऑफ बी इंग थर्ड रो दिस इज द फॉर्मला वी यूज टू फाइन क्रॉस प्रोडक्ट इफ वेटर्स आर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म वी यूज दिस रिजल्ट राइट वी यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा ये है और इसको हम फर्स्ट वेलुएट कर लेते हैं फर्स्ट रो के साथ वेल्युएट कर लेते हैं कर लेते हैं चलो आई क्रो अगर मुझे ये करना है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे आई प्लस जे माइनस के का लेना है मुझे सपोजे प्लस के से तो मेरा आई पहली रो आई जे के की आएगी हमेशा और फिर आएंगे कॉम्पोनेंट्स फर्स्ट फैक्टर के जो पहले वैक्टर उल्टा मत कर देना जो प्री है उसके कॉम्पोनेंट सेकेंड रो में आएंगे वन वन माइनस वन इसके आएंगे थर्ड रो में जीरो वन वन और इसको वैलुएट करते हैं सिर्फ फर्स्ट रो से ही करना होगा फर्स्ट रो से वैल्यूएट किया आई कैप इंटूविट्स को फैक्टर वो आता है टू हो गया वो माइनस जे कैप माइनस क्योंकि पोजीशन वैल्यू माइनस होती है यू नो हाउ टू वैल्यू डिटरमिनेंट माइनस जे रो और कॉलम पर हटा के फिर देखना वन इंटू वन इज़ वन ये जीरो हो गया वन आ गया प्लस के कैप क्या कॉलम हटा के यहां से लेना है आपने वन आ गया वो भी तो ये टू आई माइनस जे प्लस के इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ये वाला फॉर्मला यूज करके राइट और जोमेट्रिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस भी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो करता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एरिया ऑफ द पेरोग्राम

ये इस, इस पेलरोग का एरिया है मोड इसका अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो तो डायरेक्शन है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसके डायरेक्शन जो कि मेरा आउटवर्ड नॉर्मल है इस बार ए से बी की तरफ फिंगर्स को फोल्ड किया है और थम मेरा अपवर्ड है सो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है वो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया क्योंकि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है तो यहाँ से जो एक क्रॉस बी है वो क्या होता है वो हो जाता है उसको बोलते हैं वेक्टर एरिया है पेलरोगाम का वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ट नॉर्मल है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी आउटफर्ट नॉर्मल है सो ए क्रॉस बी इन दिस केस रिप्रेजेंट वेक्टर एरिया ऑफ द पेरोग्राम राइट वेक्टर एरिया पेलोग्राम है लेकिन अगर मैं बी क्रॉस से कह रहा हूँ इस सेम क्वेश्चन में वो तो नेगेटिव हो जाएगा ए क्रॉस बी से तो है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया आउटवर्ड है बी क्रॉसे की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी इस बार बी से एक की तरफ स्कू रोटेडम थंब को फोल्ड करेंगे तो नीचे डायरेक्शन आ रही है माइनस वेक्टर एरिया ऑफ द पेलरोग्राम सेम वे अगर मैं टू से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा मैंने क्रॉस कर दिया तो ये हो जाएगा वेटर एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो ये इतना काम नहीं आता फिजिक्स में वेटर एरिया सॉरी मैथ्स में एरिया मतलब मॉड ही ले लो आपको अगर मैं A B कह रहा हूं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया एंड बी वेक्टर एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर समझ आ रहा है ठीक है फिजिक्स में क्या ठीक है बट डोंट बॉदर मच इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं क्रॉस प्रोडक्ट की राइट right? हम आगे बढ़ते हैं अब हमारा एक अधिक क्वेश्चन है जिसमें इस पर हम देख लेते हैं अभी ये है ए एंड बी आर थ्री नॉन ज़ीरो वैक्टर्स है और ये कंडीशन हमें गिवन है इसमें ए क्रॉस बी इक्वल टू सी बी क्रॉस इक्वल टू एंड प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल एंड मॉट बी इक्वल टू वन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है मॉट बी इक्वल टू वन है तो हम क्या कर सकते हैं परपेंडिकुलर के लिए तो कई दो तीन तरीके हैं तो बाई जोमेट्री से देख लिया मतलब क्वेश्चन ही सेंस नहीं बन रही ऑब्वियस है तो ए ये है मेरा प्लेन पे बी ये है और सी उनका क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट तो नॉर्मल होता है तो सी वेक्टर ऐसे हो गया राइट सी मेरा ये वेक्टर है नॉर्मल है उनका तो यहाँ से दिख रहा है कि सी ए के परपेंडिकुलर है सी बी के परपेंडिकुलर है वट अबाउट ए एंड बी से वो नहीं आया है मैंने दूसरा बेटर उठाया है ये ये क्या कहता है ये बी और सी का प्लेन है मतलब इसको तो कुछ होने ऑब्वियस है इसमें कोई कर नहीं है तो माइंड में पिक्चर आनी चाहिए वाली। ए यहाँ से आ गया ए परपेंडिकुलर टू बी है और ए परपेंडिकुलर टू सी है ये आ गया देखो आप कि नॉर्मल था क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है। ये पिक्चर भी दिमाग में होनी चाहिए तो आ गया यहाँ से ए परपेंडिकुलर टू बी सी परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू ए सी पर पेंडिकुलर टू बी सोधे परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल थ्री वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो ये प्रूव हो गया मेरा देखो ये करना था इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अब मॉडलस में रिलेशनशिप निकालनी है तो मॉडल लेके निकाल लेंगे जैसे इसका मॉड ले, ले लिया हमने कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी या दोनों साइड का मॉडल ले लिया मैंने मॉड ऑफ वेटर्स इक्वल हैं तो उनके मॉडलिस भी इक्वल होते हैं सो दिस बिकम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंगल बिटवीन दाए बाय टू बिकॉज दू इच अदर साइन पाए बाय टू इक्वस टू मॉड सी राइट इससे कुछ रिलेशनशिप आई है मेरी भी आगे चलूंगा मैं अगले वाले का भी मॉड लूंगा ऐसे जो दूसरी रिलेशनशिप थी मॉड लिया मैंने उसका तो वहाँ से आएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन पाए बाय टू एंगल नाइनटी है इक्वल टू मॉड ऑफ ए तो यहां से सी मोड बी इक्वल टू ए आ गया इनको कंबाइन करना है दोनों को देखो आप राइट तो मोड बी की वैल्यू प्लग इन कर दी यहां पे मोड बी की वैल्यू ए बाय सी इक्वल टू सी तो यहां से आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर तो स्क्वा ए इक्वल टू सी आ गया नेगेटिव तो हो नहीं सकता पॉजिटिव बाय मोड आ गए ए इक्वल टू सी वो अगर यहां यहाँ प्लगिंग करेंगे तो मॉड बी वन आ गया पुट मॉड इक्वल टू मॉड सी यू गेट मॉड बी इक्वल टू वन तो सिंपल हमने दोनों साइड का मॉड लिया है और स्केलर क्योंकि स्केलर इंफॉमेशन की बात करनी है मॉड बी इक्वल टू वन शो करना था स्केलर इन्फॉर्मेशन है मॉड तो लेना पड़ेगा मॉड ले लिया तो पहले एंगल निकाल लिया फिर हमने दोनों वेक्टर दोनों क्रॉस दोनों का मॉड ले लिया इसका भी मॉड लिया इसका भी मॉड लिया लेकिन पहले ज्योमेट्रिकली एंगल निकाले हैं आप कहेंगे ज्योमेट्री से नहीं मैथमेटिकली एंगल नहीं निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हैं मैंने क्या किया कई तरीके हो सकते हैं एक तरीका ये है एक क्रॉस बी इक्वल टू C था मैंने इसका ए से डॉट ले लिया दोनों साइड का टेक डॉट विद ए तो ये क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉटेड ए हमने पहले देखा था जीरो बनता है ये क्योंकि ये नॉर्मल है प्लेन का और ये प्लेन पे बेटर है इक्वल टू ए डॉट सी तो ए डॉट सी जीरो आ गया ऐसे देखो आप ए और सी पर आ गए क्या किया था मैंने डॉट लिया था ए से और लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन गए ए रिपीट हो गया डॉट विद सी करेंगे ऐसे कहीं तो ये आ जाएगा डॉट विथ सी नहीं डॉट विथ बी करेंगे तो ए क्रॉस बी डॉटेड बी आ जाएगा बी रिपीट हो रहा है देखो यहाँ पे जब भी रिपीट होगा इसके पर प्रोडक्ट में ऐसे समझ लो ये नॉर्मल है ए करॉस बी और बी प्लेन पे वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर और प्लेन पर वेटर परपेंडिकुलर होंगे तो ये ज़ीरो होगा यहाँ था बी डॉट सी तो यहाँ से बी डॉट ये ज़ीरो हो गया तो बी डॉट सी भी ज़ीरो आ गया देखो ऐसे है बी डॉट सी बी जीरो आ गया था दिख रहा हो इसी देखो मैंने बी से डॉट ली है तो ये मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई क्योंकि बी भी रिपीट कर रहा है या फिर ए क्रॉस भी नॉर्मल है और ये प्लेन पे वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये ज़ीरो हो गए यहाँ से बी डॉट सी जीरो आ गया ए डॉट सी जीरो आ गया बी डॉट सी सीरो आ गया सेम वे आप दूसरी वैक्टर इक्वेशन का डॉट ले लो जो पहले इसका इसका डॉट इसका डॉट ले लिया आपने राइट इसका डॉट बी से ले लिया क्योंकि मुझे ए डॉट बी जीरो शो करना है तो वो भी जीरो आ रहा है तो ये मैथमेटिकली करने की जरूरत है लेकिन मैथमेटिकली करना नहीं था डायग्राम से एकदम दिख रहा था कि देखो हाँ हाँ अगर सोल्यूशन प्रेजेंट करना है तो मैथमेटिकली बेटर है कैसे भी सो दिस इज ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है टू लर्न द फंडामेंटल्स हम अब आगे बढ़ते हैं हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉरी uh, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले स्केलर पढ़ना है स्केलर पढ़ लेते हैं पहले उसको बाद में आते हैं इस पर सो नेक्स्ट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सो इट इज वे ऑफ कंबाइनिंग थ्री वेक्टर्स विथ डॉट एंड क्रॉस तो हम ऐसे कंबाइन करते हैं देखो आप ए डॉट बी क्रॉस सी ये पहले कंबाइन नहीं कर सकते ये पहले कंबाइन करेंगे तो नंबर बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये नंबर एल बन गया ये तो रॉन्ग है वी कैन नॉट टेक क्रॉस ऑफ अ स्केलर विद बेटर सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन दिस यू नो कम्बिनेशन इट इज़ लाइक दिस ए डॉट बाद में लेना है क्रॉस पहले लेना है मैंने ब्रैकेट से दिखाया है जरूरी नहीं है ब्रैकेट होगा लेकिन अंडरस्टूड है कि क्रॉस ऑपरेशन शुड बी द प्रायर ऑपरेशन एंड देन कम्स अ डॉट ऑपरेशन सो फाइनल ऑपरेशन इज अ डॉट ऑपरेशन ये एक स्केलर नंबर है एक क्योंकि बाद में डॉट ले रहे हैं पहले वेक्टर क्रॉस ले रहे हैं वेक्टर बना फिर उसका डॉट ले लिया बाद में डॉट लिया सेकंड टाइम में डॉट लिया तो ये स्केलर बन है नंबर है एक राइट स्केलर है तो उसको उसका नाम हमें रखा हुआ स्केलर ट्रिपल बिकॉज तीन वेटर इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट क्योंकि हम डॉट क्रॉस यूज़ कर रहे हैं डॉट क्रॉट को डॉट और क्रॉस मिला के हम कहते हैं प्रोडक्ट सो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट राइट तो ये देखना है इसका जोमेटिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे तीनों को अगर मैं ये फिगर बनाता हूँ पैरलोपाइड तो ऐसे तीन वेक्टर थे मेरे पहले बना लेता हूँ फिर बता करता हूँ मैं ये मेरे तीन वेक्टर हैं ए बी और सी अब मुझे देखना है कि इनका ये तीन वेक्टर है इस तरह से मुझे ये देखना है ए डॉट बी क्रॉस सी ये क्या बनता है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनता है ये जो ये ये बनता है वो बनता है उसका वो बनता है उसका मॉड लेके मॉड की नंबर है लेके मॉड लगा दिया कि नेगेटिव ना हो जाए वॉल्यूम ऑफ द पैरलो पाइप ये पैरलो पाइप क्या बला है पैरलो पाइप ये पैरलो पाइप है कि जिसके सारे ये सॉलिड है जिसके सारे फेसेस पेलरोग्राम है जैसे क्यूबॉइड होता है इसके सारे फेसेस रेक्टेंगल है क्यूब है जिसके सारे फेसेस स्क्वायर है सेम वे पेरलो पाइप डेज ये सारे पेरोग्राम है हर सरफेस पे जो फिगर है वो पेरोग्राम है तो ये बनता है वॉल्यूम ऑफ द दैरलोपाइप डाइस मॉड ले लेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट और आपने ये देखना है कि इफ वेटर्स आर को प्लैनर देन नो पैरलो पाइप सेम प्लेन पर तो बनेगा नहीं पैरलो पाइप नो सॉलिड नो पैरलो पाइप मीन्स नो सॉलिड मीन्स नो वॉल्यूम मीन्स ये जीरो हो गया स्केलेल ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चन बहुत काम आता है काफी क्वेश्चन इस इसपे कि अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू इफ ये जीरो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन ए बी सी आर को प्लेनर क्योंकि कैसे कहाँ से आया क्योंकि वॉल्यूम द पैरलो है अगर ये जीरो है तो इट मीन्स कि कोई वॉल्यूम नहीं है मतलब कोई पैरलो पाइप नहीं है मतलब क्या पैरलो पाइप नहीं बन पा रहा मतलब वेटर सेम प्लेन में. Right? में है राइट और या वैटर सेम प्लेन में है नो पैरलो पाइप नो वॉल्यूम या नो वॉल्यूम मींस ऑल द वेटर्स आर इन द सेम प्लेन सो वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक चीज देखनी है कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी है अभी यहाँ पे डॉट यहाँ लगा हुआ है क्रॉस यहाँ है ये इसके इक्वल होता है ए क्रॉस बी डॉट सी दैट इज वी कैन इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस तो मेरा जो ए डॉट बी क्रॉस सी है उसको मैं लिख सकता हूँ ये मतलब उसको मैं हमने नई एक और नोटेशन ये है ऐसे लिख लो आप डॉट और क्रॉस लगाओ ही मत क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कहाँ डॉट है कहाँ क्रॉस है वैल्यू सेम रहती है वी कैन इंटरचेंज पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस सो इट से न्यू कन्वेंशन इज डोंट पुट डॉट एंड क्रॉस वेन यू नीड यू कैन पुट डॉट एंड क्रॉस सो वी कैन ऑल्सो राइट स्केलेटर पर प्रोडक्ट लाइक दिस ए बी सी और स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे यूज़ नहीं होगा जब भी यूज करना होगा यहाँ तो या, ये डॉट लगाएंगे हम या फिर हम ए क्रॉस भी लिख के डॉट सी लगाएंगे दोनों सेम बनते हैं अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है ये दोनों सेम बनते हैं अब ये आ रहा है कि इन कॉम्पोनेंट फॉर्म अगर वेटर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होती है वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेटर ए इन फर्स्ट रो ए वन ए टू ए थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेटर ए हैं ये तीनों फिर सेकेंड रो में है कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेकेंड वेट्टर बी वन बी टू बी थ्री और फिर है सी वन सी टू सी थ्री तो ये मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है नंबर आना चाहिए था क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी अभी देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पोनेट्स ऑफ थ्री वैटर्स ए बी सी इज इज कॉम्पोनेंट की फॉर्म में ये वैल्यू आ जाती है ए बी सी की राइट तो यह फॉर्मला याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो कॉम्पोनेंट फॉर्म है वैक्टर्स कॉम्पोनेंट फॉर्म में तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मला यूज करते हैं एक हमने देखना है कि ये जो अगर मुझे ए डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी है मुझे ये लिखना है कि इनकी पोजीशन चेंज करनी है मैंने सी पहले ले आया हूँ फिर ए फिर बी आर द इक्वल और नॉट ऐसे ही मैंने ये लिखा कि मुझे मैंने पहले बी लिख लिया फिर ए फिर सी सो आर द इज़ इक्वल ये क्या लॉजिक क्या लॉजिक है कि ये दोनों तो आपस में ठीक हैं कि अगर सेम साइक्लिक ऑर्डर है ये आपने ए बना लिया कैसे भी ले लो आप ए बी हाँ ले लिया सी जैसे मर्जी ले लो आप और, और मैंने देखा कि मेरा अब ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है ये मेरा ए से बी बी से सी ऐसे है ये ऑर्डर राइट right? ये क्या है सी टू ए टू बी वो भी सेम है सी से ए से बी में मैंने ए बी सी एंटी क्लॉक वाइज है ए टू बी टू सी जाना है वो एंटी क्लॉक वाइज है ए टू बी टू सी करना है ऐसे है ए टू बी टू सी एंटी क्लॉक वाइज है राइट right? ऐसे है. और ये भी एंटी क्लॉक वाइज है सी टू ए टू बी सेम साइकिल ऑर्डर है सो वैल्यू इज सेम अगर इसमें देखोगे आप बी ए सी देखो साइक्लिक ऑर्डर डिफरेंट हो गया बी से ए की तरफ आ रहे हैं उल्टा हो गया और फिर सी की तरफ जा रहे हैं क्लॉक वाइज ऑर्डर हो गया राइट सेम साइक्लिक ऑर्डर एंटी है ये और ये मेरा क्या है ये मेरा क्लॉकवाइज ऑर्डर है ऑर्डर ऑर्डर चेंज हो गया अगर चेंज होगा तो मैं माइनस लगाना पड़ता है जब भी एबीसी का ऑर्डर चेंज एबीसी की पोजीशन चेंज करने के साथ साथ आपने ऑर्डर भी चेंज कर दिया साइकिल एंटी क्लॉक को क्लॉक कर दिया क्लॉक को एंटी क्लॉक कर दिया तो माइनस लगाना पड़ेगा सो अगेन आई रिपीट ए की पोजीशन चेंज कर रही है लेकिन साइक्लिक ऑर्डर भी चेंज कर दिया आपने तो माइनस लगाना पड़ेगा अगर ए की पोजीशन चेंज कर रही है सेम साइक्लिक ऑर्डर रखा है तो माइनस नहीं लगेगा ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो ये हमारा स्केले ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी अभी तो आगे बढ़ते हैं वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या आता है वेटर क्वांटिटी एक वे ऑफ कंबाइनिंग थ्री वेक्टर्स सच दैट दिस इज अ बेटर क्वान्टिटी ये देखो ये बेटर क्वान्टिटी हो गई ये स्किलेटर प्रोडक्ट नहीं है कि फाइनली वॉलीम बन गया था पहलो पाइप का ये बेटर क्वान्टिटी है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो ये इस तरह से है इसका फॉर्मूला होता है कि इसकी जोमेटिकल इंटरपटेशन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्विकली देख लेते हैं लेट मी चेक हाउ मच टाइम वी हैच टाइम एक्चुअली तो इसमें सबसे पहले तो उसका ये रिजल्ट देख लो मतलब कि मतलब ये है इसमें ये ऐसे है ये ये बी और सी का प्लेन है क्योंकि बी और सी का प्लेन है और ए वेक्टर मेरा ऐसे है तो ये वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये बी और सी के प्लेन में लाई करता है और ए के परपेंडिकुलर है ये ऐसे लिख लिया मैंने कि ये जो एल वेक्टर है विच इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए ए के परपेंडिकुलर है ए इनमें में फर्क है बी और सी ब्रैकेट में है सो वेक्टर्स इन ब्रैकेट है ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं राइट परपेंडिकुलर टू ए है ए right? जो है ब्रैकेट में नहीं है जो अलग से आइसोलेटेड वर्ड यूज कर लिया सेपरेट यूज कर लिया जो सेपरेट वेक्टर है वो है तो ऐसा वेक्टर है यहां मैंने पहले बना के भी दिखाया बी और सी के प्लेन में लाइक करता है और ए के परपेंडिकुलर है ऐसे है ऐसे आए गए तो डिटेल में नहीं जाएंगे बस ये एक चीज़ याद रखेंगे हमें ये इसकी जमेटिक इंटरप्रिटेशन है ये कहाँ लाइक करता है जो ब्रैकेट है उनके बीच में लाइक करता है जो ब्रैकेट उनके प्लेन पे लाइक करता है और जो अलग से है उसके परपेंडिकुलर है इसका जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है वो वो मेन फार्मूला है यहाँ पर वेटिटेबल प्रोडक्ट में इसको हम ऐसे ओपन करते हैं पहले ए का डॉट लेते हैं जो अलग से उसका सी से लेते हैं जो पीछे है फार एंड पे ए डॉट सी इन टू बी वैक्टर जो वैक्टर बच गया है माइनस ए का डॉट पास वाले से और जो बच जाएगा सी वेक्टर है तो ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले को कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला मेन फॉर्मूला इन दिस टॉपिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है ये कि मुझे हमने क्या करना है जो अलग से सिंगल वेक्टर है ए इसका दोनों से डॉट लेना है बी और सी से पहले किससे लेना जो फॉर फॉरन पे है सो टेक डॉट ऑफ आइसोलेटेड विद बोथ द वेक्टर्स बी एंड सी बट टेक द वन टेक द मतलब टेक द टेक फर्स्ट विद द वन विच इज एट अ फार एंड किससे पहले डॉट लेना है जो दूर है बीस बीच सी दूर है उससे पहले डॉट लिया मल्टीप्लाई कर दिया जो वेक्टर बच गया माइनस पास वाले से डॉट लिया मल्टीप्लाई कर लिया जो वेक्टर बच गया ये ध्यान रखना है इसमें कई लोग कहते हैं यहाँ डॉट क्यों नहीं आया यहाँ डॉट भी आ, नहीं ये डॉट नहीं आएगा क्योंकि ये वैट डॉट हमेशा दो तो वेटर्स के बीच में आता है ये वेटर्स होना है तो नंबर है स्केलर स्केलर प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट इज अ नंबर ये तो अपने हो गया फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया सी को या आपने माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया सी को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर है तो तो यहाँ से मैं डॉट लगाएंगे डॉट लगाते ही गलत हो जाएगा ये स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है डॉट नहीं आएगा तो ये मेरा फॉमूला इंपॉर्टेंट था इस तरह से हमें याद करना है कि हमने ए का डॉट दोनों से लिया बी से भी सी से भी पहले सी से लिया मल्टीप्लाई करा थर्ड वेटर बी से फिर पास बी से लिया फिर थर्ड सी से मल्टीप्लाई किया ये फॉर्मला ऐसे भी लग सकता है अगर मेरा ऐसा होता है ए क्रॉस भी यहां है और यहाँ सी है सी अल साइड साइड राइट पे पीछे है तब भी फॉर्मूला का सेम स्ट्रक्चर है सी का डॉट ए से लो दूर वाले से लो पहले इंटू वेक्टर बी जो बच गया है सी का डॉट पास वाले से लो और जो वेक्टर बच गया है उसको लिखो तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला जो हम काफी यूज करते हैं राइट तो ये हमारी थ्योरी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो ज्यादा थ्योरी नहीं है कुछ क्वेश्चन एक बार क्विकली देख लेते हैं

वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ट्रिपल बिकॉज तीन वेक्टर्स से हैं प्रोडक्ट बिकॉज क्रॉस यूज किया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला ए का डॉट सी से इंटू थर्ड वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू थर्ड वेक्टर सी इक्व टू हाफ टाइम्स बी वेक्टर मैंने फॉर्मूला लगा दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इक्वल टू ऑफ बी अब देखो आप अब मेरे को बी बी के कोफिशंस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ बिकॉज बी एंड सी नॉन कुलिनियन है अब ऐसी क्वेश्चन आ गई जिसमें दो ही वैक्टर्स हैं और जो नॉन क्विनियन है इक्वेट कर दिया ए डॉट सी को मैंने जीरो कर ए डॉट सी को हाफ कर दिया बी को इक्वेट करेंगे और ए डॉट बी को जीरो कर दिया बिकॉज इस साइड पर सी की टर्म है ही नहीं जीरो सी है ज़ीरो कर दिया ए पर पेंडिकुलर टू बी आ गया एंगल नाइनटी आ गया यहाँ से यूनिट वैक्टर्स हैं और बी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वॉड ए वन मॉड सी वन सिर्फक्ट का फॉर्मुला लगाया और हमने दूसरा रिजल्ट लगाया कोविश को इक्वेट किया है क्योंकि दो वेक्टर में रिलेशनशिप आ गई है जो कि नॉन कुलनियर है ये ए बी और सी नॉन कुलियर है कोविशंट इक्वेट कर दिए इज अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चन द यूनिट वैक्टर विच इज़ ऑर्थोगनल टू ऐसा वैक्टर निकालना है यूनिट वैक्टर निकालना है जो कि ऑर्थोगनल है परपेंडिकुलर है इस वैक्टर से इसको मैंने मान लो बी मान लिया इसको ए मान लिया ए से ऐसा वैक्टर निकालना है इसके परपेंडिकुलर है और को प्लेनर विथ दीज टू वैक्टर इसको बी माना है इसको सी माना है तो ऐसा वैक्टर निकालना है से एल वैक्टर जो परपेंडिकुलर टू ए है और एल लाइज इन द प्लेन ऑफ B एंड C, राइट right? perpendicular to टू है और B और C के plane में लाइक है दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट यही तो देखिए अभी vector ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैंने लिखवाया था geometric interpretation है यही थी perpendicular to टू in इन द प्लेन ऑफ बी एंड तो मैं इसमें ये रिजल्ट लगाऊंगा L vector क्या हो गया वो यूनिट vector चाहिए तो मैंने यह है A क्रॉस B क्रॉस C है पर पेंडिकुलर टू वे इन द प्लेन ऑफ बी एंड ये निकालने के बाद mod से डिवाइड कर दूंगा मुझे क्योंकि यूनिट vector चाहिए ये और में प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है तो ये करना है मुझे इसके अंदर तो या फिनिश कर लोगे प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे हमने वेटेड ट्रिपल प्रोडक्ट फॉमूला लगा दिया ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ये याद कर लेना फॉमूला अगर भूल गए हो और जो आंसर आएगा उसके मॉड से डिवाइड कर दिया यूनिट वेक्टर करना है उसको तो पहले डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना न्यूमिनेटर निकालना है जब न्यूमरेटर निकल जाएगा फिर हमने जो उसकी लेंथ होगी उसे डिवाइड करना है क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये मेरा क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करना था जो इन्फॉर्मेशन पूछी है परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ टू अदर वेक्टर्स इट्स अ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बस सीधा वही करना था ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये करना है और फॉमूला लगा दिया इसके बाद वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और फिर उस जो भी आंसर आएगा उसके मोड से डिवाइड कर देंगे इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक एन अनदर फॉर्मूला कि अगर बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी है तो ये अलग से देख लेते हैं पहले ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है इसको सिंपलीफाई करने का फॉर्मूला इस तरह से करते हैं इसको हम इसका फॉर्मूला ये है कि मेरे को इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है इसका कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है स्केलर है ये प्रोडक्ट है और चार वेक्टर का है और फोर वेक्टर्स इसका फॉर्मूला आपने इस तरह से याद करना है डॉट ऑफ फर्स्ट विथ फर्स्ट लेना है ए डॉट सी डॉट ऑफ सेकंड सेकेंड लेना है बी डॉट डी माइनस डॉट ऑफ आउटर विद आउटर ए डॉट डी डॉट ऑफ इनर विद इनर बी डॉट सी तो ये चार टर्म है इस फॉर्म के अंदर कैसे आई चार टर्म कि इसी में ही ये फर्स्ट का डॉट फर्स्ट से एक, एक वेटर एक वेक्टर प्रोडक्ट ही है तो डॉट लेना फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई विद सेकंड विद सेकंड ए डॉट सी और बी डॉट डी आ गया फिर माइनस करना है डॉट ऑफ फर्स्ट विद फर्स्ट विद लास्ट एंड सेकंड विद थर्ड आउटर आउटर इनर इनर उनका उनका प्रोडक्ट ले लिया माइनस करके ये फॉर्मूला आता है राइट right? तो ये तीन बार फार्मूला लगाना है मैं ये वाला अगर मैं इसको देखूंगा इसको ओपन देखूं, करूं मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूं इसका फर्स्ट का फर्स्ट से डॉट लेना यहां लिख रहा हूं मैं बी क्रॉस सी डॉटेड विद ए क्रॉस डी है इसको मुझे ओपन करना है तो मुझे फर्स्ट का डॉट फर्स्ट से लेना है ये बी डॉट ए सेकेंड का सेकेंड से सी डॉट डी माइनस आउटर का आउटर से बी डॉट डी इनर का इनर से सी डॉट ए ये करना है दो टाइम आ जाएंगे फिर सेकेंड को भी ऐसे ही ओपन करना है यही तरीका सेकेंड पे लगाना है ओपन करने के लिए फर्स्ट का फर्स्ट से सी डॉट बी का सेकंड से ए डॉट डी थर्ड का सॉरी माइनस आउटर विद आउटर सी डॉट डी इनर विद इनर ए डॉट बी बाद में चेक कर लेना ये करना है हमें फिर फॉर्मला एक बार और लगाना है छह टर्म आएंगे तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव सारी कैंसिल हो जाएंगे एक बार कर लेते हैं ए डॉट सी फर्स्ट का फर्स्ट से सेकेंड का सेकेंड से बी डॉट डी माइनस आउटर आउटर ए डॉट डी वहाँ देख सकते हैं आउटर आउटर क्या होगा ए का डी से डॉट आएगा और इनर इनर इज बी का डॉट सी से आएगा इनर इनर ये मतलब है ये आ गया छह डे सारी टर्म कैंसिल होंगी जीरो आंसर आ रहा है देखो बी डॉट ए सी डॉट डी बी डॉट ए सी डॉट डी पी डॉट ए कैंसिल पॉजिटिव बीसीएडी बी सी एडी कैंसिल है ये कैंसिल है जीरो आ गया राइट तो ये हमें शो करना था हमने फॉर्मुला जो देखा है वो इंपॉर्टेंट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का वो काम आता है तो अगर ये क्वेश्चन भी देखेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले काम करेंगे यहाँ पे ये जो क्रॉस है एक डॉट को यहाँ ले आएंगे, इस क्रॉस को यहाँ ले आएंगे। तो ये बन जाएगा देखो कर सकते हैं चेंज ए प्लस बी स्केलेटर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए प्लस बी क्रॉस विद ए प्लस सी राइट ये दो वेक्टर का डॉट लिया यहां डॉट ले आया हूं मैं b क्रॉस c, अब यहां पे क्रॉस आ गया ये क्रॉस आ गया है क्रॉस विद b b प्लस सी ये जीरो शो करना है इसको सिंप्लीफाई करके जीरो शो करना है तो ये वही नहीं होगा इसको मैं कह दूं, m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर डॉटेड विद p वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स आ गया सेम किसे करना है इसका इसका डॉट इससे एम डॉट पी मल्टीप्लाई विद सेकेंड विद सेकेंड एंड डॉट पी माइनस आउटर विद आउटर एम डॉट क्यू इनर विद इनर एन डॉट पी दिस इज वॉट यू हैव टू डू इससे आंसर आ जाएगा राइट थोड़ा तो डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है लेकिन आंसर आ जाता है फर्स्ट का फर्स्ट जब M का डॉट पी से लेंगे राइट का डॉट पी से लेंगे तो आगे ए प्लस बी डॉटेड विद बी क्रॉस सी फिर इसको मल्टीप्लाई करना है एन डॉट पी से राइट एन डॉट पी क्या किस इसका डॉट इससे लेना है ए प्लस सी फर्स्ट का इस फर्स्ट का सेकंड का सेकंड से लेना है बी प्लस सी से फिर माइनस है आउटर आउटर ए प्लस बी बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद इनर इनर a plus c into b cross c डॉटेड with b क्रॉस c देखो डॉटेड विद बी क्रॉस सी इनका डॉट और इनका डॉट ये है ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ये डॉट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है है नहीं इतना अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा देखो ये ए बी ये हो गया ए बी सी डॉट क्रॉस की जरूरत नहीं है ए डॉट बी क्रॉस से है ए बी सी लिख लिया इसको इससे डॉट लेंगे ज़ीरो बनेगा राइट अगली टर्म इसमें जीरो बनेगी प्लस जीरो क्योंकि जब मैं इसका इससे डॉट ले रहा हूँ तो बी रिपीट करता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बी रिपीट करता है तो जीरो होता है क्योंकि इजार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या वॉल्यूम वालीम तो पैरलोपाइड है अब दो वेटर सेम है तो सॉलिड कैसे बनेगा वॉल्यूम कैसे बनेगा जीरो ही होगा वो इसमें दो वेटर सेम है या डिटर्मिनट का जो फॉमुला था दो रो सेम हो जाएंगे क्योंकि दो वेटर सेम ही है तो जीरो बन जाता है कैसे भी देखना ये जीरो हो गया यहाँ ए बी सी आया ये ये क्या बनेगा यहाँ देखेंगे ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इसमें कुछ बना नहीं है प्लस मोट सी स्क्वायर यहाँ आया डॉट लेके माइनस जब यहां पे मैंने ये काम किया तो यहाँ भी ए बी सी बनेगा और साथ में जब b क्रॉस का c से डॉट लूंगा तो जीरो हो जाएगा c रिपीट कर रहा है इसमें c डॉट b क्रॉस c करेंगे c डॉट b क्रॉस c ये जीरो बन रहा है c रिपीट कर रहा है खाली ये रह गया और जब इसको ही मल्टीप्लाई करना है ऐसे ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट सी अब हो जाएगा ये कॉमन आ गया देखो दिस दिस वी कैन टेक आउट जो बचेगा उसमें से ये ए बी ए बी ए बी डॉट कैंसिल हो गया ए सी कैंसिल हो गया बी सी कैंसिल हो गया क्या बचा mod सी स्क्वायर माइनस मॉट बी स्क्वायर और वो क्वेश्चन में इक्वल गिवन है जीरो हो गया बिकॉज मॉट बी इक्वल टू मॉट सी गिवन है क्वेश्चन में तो मॉट सी स्क्वेयर इक्वल टू मॉट सी स्क्वेयर है ये बना ही जीरो हो गया राइट और ये जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ए बी सी नॉन को पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया मतलब वही था सर तो प्रूफ ये था ये ज़ीरो हो गया मतलब ये ये ज़ीरो हो गया जीरो मतलब ये तो ये गिवन था हमें जीरो आ गया मल्टीप्लाई वट एवर इट इज़ फर्क नहीं पड़ता हमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था लेकिन हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई है और है आई में आया था पहले एडवांस मतलब पहले तो एक ही एग्जाम था सब्जेक्टिव टाइप में उसमें आया था ये क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन आया ट्वेंटी ट्वेंटी में जिसमें अगला क्वेश्चन है दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन देखेंगे मे बी वन मोर क्वेश्चन वी कैन डू एंड देन सो ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो फाइंड वेक्टर आर विद सेटिसफाइज दिस रिलेशनशिप ये क्या है इसको मैं ओपन कर लिया आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी है ये और मुझे आर डॉट ए जीरो की वन है ये क्वेश्चन है जब वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम तो हम क्या करते हैं इसके अंदर मुझे आर को अलग करना है क्योंकि लिखा है कि फाइंड वेक्टर आर आर की एक्सप्लिसिट फॉर्म चाहिए आर अलग चाहिए आर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं टेक क्रॉस विद ए वेक्टर टेक क्रॉस करना है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमने ए से लिया क्योंकि ए डॉट आर गिवन है यहां से अगर ए से लेने से नहीं बात बनेगी तो वापस आके बी से सी से ट्राई करना टेक क्रॉस हमने ए करा है तो लेफ़्ट साइड हो गई ए क्रॉस आर क्रॉस बी और ये हो रहा है ए क्रॉस सी क्रॉस बी इससे क्या होगा इससे जब वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे इफ वेन यू अप्लाई वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला वो स्प्लिट हो जाएगा देखो क्या हुआ मैंने फॉर्मूला लगाया वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए का डॉट लेना है पहले बी से ए डॉट बी इंटू आर वेक्टर आर आगे लगा गया माइनस ए का डॉट आर से लेना है ए डॉट आर इंटू थर्ड वेटर बी एकवस टू ए

थर्ड वेटर से क्रॉस लिया कोई एक और वेटर लाके क्रॉस लिया ए से हमने लाके क्रॉस ले लिया तो ए ए जैसे थर्ड को लाए हैं तो आर और बी का जो जॉइंट था वो टूट गया उनका जो जॉइंट था वो टूट गया अलग हो गए वो ये सो जैसे अपने ए से क्रॉस करें यहाँ से देखो आर और बी अलग हो गए आर अलग बी अलग आर हमें अलग चाहिए था हमारा काम सॉल्व हो गया सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व फॉर वेटर आर वेटर आर की एक्सप्लिसिट फॉर्म है सॉल्व करना आर के लिए हमने आर को बी से अलग कर लिया और सॉल्व कर लिया सो दिस क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस तो ये हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं रिजल्ट एक याद कर लेना एज ए रिजल्ट इसको अगर पहले नहीं किया है या करा था लेकिन अब याद नहीं है तो डेफिनेटली रिजल्ट कर लेना कि ये स्किल ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस ही बी क्रॉस ही सी क्रॉस ए का है वो वो ए बी सी होल स्क्वायर के इक्वल होता है और डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसके इक्वल होता है तो रिजल्ट है जो आपने याद करना है राइट So, यहां पे हम रिजल्ट यूज करेंगे कि इसमें क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ c तो यहां भी एक रिजल्ट है एनी वेक्टर आर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स से एबीसी कि कोई भी वेक्टर आ रहा है स्पेस में उसको आप एबीसी के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो बट एबीसी नॉन कोप्लेनर होने चाहिए है नॉन कोप्लेनर राइट एबीसी नॉन कोप्लेनर तो कोई भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है उनके फॉर्म में आर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि एबीसी देखो एल टाइम्स ए क्रॉस बी एम टाइम्स बी क्रॉस सी एन टाइम्स सी क्रॉस क्योंकि अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर सॉरी और नॉन कोप्लेनर बिकॉज ये साथ में ये भी कर सकते हैं बिकॉज इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर वो भी नॉन कोपलेनर होंगे तो आपकी मर्जी आप ए बी सी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी नॉन कोपलेनर है गिवन है हमें अब ए बी सी नॉन कोपलेनर है तो ये भी नॉन कोपलेनर होंगे इसकी फॉर्म में भी ला सकते हैं डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है वो हमने अभी प्रूव किया है वहाँ से आता है वो ए बी सी एकरो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो है स्क्वा ऑफ ए बी सी तो अब देखो अगर ए बी सी नॉन कोपलेनर है ए बी सी नॉन कोपलेनर है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि नॉन कोपलेनर है पैरलोपाइट बन रहा है वॉल्यूम होगा तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इनका भी पर पाउडर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब क्या ये तीनों नॉन कॉपलेनर है क्योंकि स्केलेटर पाउडर नॉट इक्वल टू जीरो पैरलोपाइट इनसे भी बन रहा है तो ये नॉन कॉपलेनर होंगे क्योंकि इनका वॉल्यूम जीरो नहीं बना है तो पैरलोपाइप होगा मतलब वॉल्यूम होगा तो नॉट ये तीनों नॉन कॉपलेनर आ गए नॉन कोपलेनर राइट तो ये रिजल्ट था इसमें क्वेश्चन में करना था एक्सप्रेस ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कहते हैं ए क्रॉस इज एल टाइम्स ए प्लस एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ये मैंने इसे एक्सप्रेस कर लिया मुझे क्विशंस निकाल रहे हैं तो मैं डॉट लेता हूं किससे ए बी सी से नहीं डॉट विद ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस सी इनसे डॉट लो आप देखो आप अगर यहां ए बी सी है तो मैं डॉट कैसे लिखूंगा ए क्रॉस बी बी से उसी से फायदा होगा ए क्रॉस बी से डॉट लेंगे तो यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर, ये जीरो ये जीरो खाली एन टाइम्स ए बी सी आएगा अगर आप ए क्रॉस बी से डॉट लेंगे राइट right? तो ए क्रॉस बी से डॉट लेने का मतलब है ये जीरो क्योंकि ए रिपीट हो रहा है ये जीरो क्योंकि बी रिपीट हो रहा है ए बी सी नहीं बच जाएगा ये आ गया तो एन मेरा यहां पे आ गया एन की वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी का मॉड स्क् राइट तो ये हम इस तरह से निकालते हैं कॉपिशन एन को ऐसे ही एल और M निकाल लेंगे L, A, अगर मुझे एल को बचाना है तो बी क्रॉसी से डॉट लेना, पड़े, लेना, लेना पड़ेगा क्रॉस लेना बी क्रॉस से डॉट लेना पड़ेगा क्योंकि बी क्रॉस डॉट ए नॉट इक्ट टू जीरो होगा रिपीटेशन नहीं आ रही है कोई डॉट विद बी क्रॉस सी देखो डॉट एडवांटेज क्या होता है बी क्रॉस सी से ये ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी बन गया और यहां पे एल टाइम्स ए बी सी बना बी क्रॉस सी से डॉट लिया बाकी दोनों टर्म जीरो आ गए ये एडवांटेज है अगर बी क्रॉस सी से डॉट लेंगे अगर यहां बी क्रॉस सी से डॉट लेंगे तो आप देख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट बी जीरो हो गया बी क्रॉस सी डॉट सी भी जीरो हो गया दोनों जीरो होगा, गए बिकॉज बी रिपीट कर गया एक केस में सी रिपीट कर गया तो ये हमने इस तरह से कोविशन सॉल्व कर लिया है इस तरह से आप एम ई निकाल लोगे बट ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा है आपने किसी वेक्टर एल को लिखा है आपने या, या आपने ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस या चलो ऐसे लिखो एल आर को लिखा आपने इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी एम टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस एंड टाइम सी क्रॉस है अगर इस बार हमें कोविशंस निकालने हैं तो हम डॉट लेते हैं किससे? डॉट विद ए बी सी से लेते हैं ध्यान रखना तभी इजी पड़ेगा अगर ये है मेरा रिपीट कर रहा हूँ मैं ऐसे है एल डैश ए प्लस एम डैश बी प्लस ए तो डॉट विद ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ऐसे डॉट लेना है तभी इक्वेशन ईजी बनेंगी तो ये अपनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है राइट right. आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बट ये रिजल्ट काम आता है ध्यान रखना ये रिजल्ट है ये इस तरह का ये एग्जाम्पल भी एक तो दिखाता हूँ इसमें मैं कि ये तीन वेक्टर हैं कैपिटल ए बी सी जो कि स्मॉल ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है कैपिटल ए कैपिटल बी भी ए बी सी की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है कैपिटल सी भी ए बी सी की फॉर्म में एक्सप्रेस है और मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है कैपिटल ए बी सी का वो किसके इक्वल होगा ये डिटर्मिनेंट इन टू स्मॉल एबीसी और डिटर्मिनेंट कैसे बना है ये जो coefficients लिए यहां से ये ए, ए ए ए के ए, के एक ए लिया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी जो उसके कोविशंट हैं उनसे फर्स्ट रो बन गई बी के की से सेकेंड रो बनी है सी के की से थर्ड रो बनी है एबीसी अलग आ गया डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं ये फॉर्मला हम करेंगे राइट right? कब होगा जब हमें यहाँ पे तीन वेक्टर हैं थ्री वेक्टर्स हैं यहाँ पे इन स्केलेटर पर प्रोडक्ट फॉर्म ये ऐसे लिख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहां पे ऑफ थ्री वेक्टर्स है विच आर लीनियरली एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एबीसी ये जब भी ऐसे आएगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है एग्जाम्पल से देखेंगे तब आइडिया रहेगा यहाँ पे अगर ये नहीं कब अगर हम ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्रा मिनट या ये क्वेश्चन मैंने हैं ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं तीनों कि यहाँ पे अब देखो ये जो रिजल्ट पढ़ा है हमने यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए प्लस बी है बी प्लस सी है सी प्लस है ऐसे लिखा है तो समझो ये ए वैक्टर है ये बी वैक्टर है ये सी वैक्टर है तो मेरा एक इस फॉर्म में आएगा यहाँ डिटर्मिनेंट बनाना है स्केलर ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट है राइट डिटर्मिनेंट आएगा साथ में स्मॉल ए बी सी आएगा जो डिटर्मिनेंट है उसकी पहली रो क्या बनेगी अब जो ए वैक्टर है अगर आप देखेंगे ए वेक्टर मेरा ये है ए प्लस बी प्लस जीरो सी ए बी क्या है मेरा जीरो प्लस बी प्लस सी ए सी क्या है मेरा सी है ए प्लस जीरो प्लस सी ए अब मेरे कोविशंट्स क्या आ रहे हैं ए बी सी के वो पहली ये बनेगा कोविशंस ऑफ ए बी सी ये वन वन ज़ीरो है ये जीरो वन वन है ये वन जीरो बन है ये मुझे कोविशंस ऑफ ए बी सी के जो ए बी सी जो ये जो वेक्टर ए के जो कोविशंस ऑफ ए बी सी से पहली रो बनेगी कोविशंस ऑफ ए बी सी से सेकेंड रो बनेगी यहाँ पे और यहाँ से थर्ड रो बनेगी ये करना है तो ये सीधा लिख लिया तो मुझे डिटर्मिनट वैल्यूएट करना है क्योंकि मुझे ये ये देखो ये प्रूव करना था ये टू टाइम्स है तो ये डिटर्मिनंट की वैल्यू टू आ जाएगी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्स्ट रो से वन इंटू इट्स को फैक्टर वन है माइनस वन इंटू इट्स कोफैक्टर माइनस वन है प्लस जीरो तो ये आप देखो टू बन गया डिटर्मिनंट की वैल्यू टू बन गई प्रूव हो गया कि ये प्रूव करना इक्वल टू टाइम्स टाइम्स प्रूव हो गया इसको कर रिप्लेस करके राइट right, तो ये करना है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यू वी डब्ल्यू आर थ्री नॉन कॉपिनेट वैक्टर्स हैं ये निकालना है आपको ये भी यूवी डब्ल्यू का कम्बिनेशन है ये भी यूवी डब्ल्यू का कम्बिनेशन है, है ये भी है तो मेरा इक्वल टू ये डिटर्मिनेट इंटू यूवी डब्ल्यू आ जाएगा पहली रो डिटर्मिनेंट की जो होगी यू U यू वी डब्ल्यू की वो होगी वन व माइनस वन यू प्लस यू यू प्लस वी माइनस डब्ल्यू के कोपिशन चाहिए सबके यू वी डब्ल्यू के वन वन माइनस वन सेकेंड में वन माइनस वन जीरो थर्ड में ज़ीरो वन माइनस वन ये तो यहाँ से मैंने U U उठायान है U का कॉपिशन वन है V का माइनस वन है W का जीरो है यहाँ पे U का जीरो है V का वन है और W का माइनस वन है ये डिटर्मिनेंट बन गया इसको वैल्यूएट कर लेंगे यहाँ से जीरो इन कर लेना आप जीरो इन इसको इसक ऐसे करके यहाँ भी ऐसा ही है इस क्वेश्चन में अब यहाँ भी प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ दोनों तरफ लगाओगे इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से कि करना है कि लेमडा एरियन कर लेना है सेम क्वेश्चन है दो बार यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है तो लेमडा में क्वेश्चन बन जाएगी हर क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे हम ये देख लेते हैं इस तरह क्वेश्चन इसमें भी आया है हमें क्या करना है ए बी सी आर थ्री वेटर्स हैविंग मैनीच्यूड वन वन टू वन ये थ्री वेटर्स मैनीच्यूड की है और ये रिलेशनशिप के है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड सी तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ना ये फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि हमें मैनीच्यूड की बात करनी है हम मैनीच्यूड की बात करनी है हमने तो हम क्या करेंगे इसमें ये स्वेटर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मुला मत लगाओ डजन मेक सेंस हमने उसकी बजाय यहाँ पे क्या करा दोनों साइड का मॉड ले लिया मॉड ऑफ तो ये भी ध्यान रखना है जब भी वेटेड ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा तो जरूरी नहीं फॉमला लगाना है मॉड भी क्या ले लेते हैं इसका मॉड लिया मैंने ए क्रॉस ए क्रॉस सी का इक्वल टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस का मॉड वन इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगा दी देखो यू नो ए क्रॉस बी लगा दी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इंटू एंगल ए क्रॉस सी और ए में पाई बाई टू है ए क्रॉस सी तो नॉर्मल है ए और सी का प्लेन का ए यहां पे है सी यहाँ पे है ए क्रॉस सी तो नॉर्मल है तो ए क्रॉस सी और सी में ए ए क्रॉस सी और A में क्या एंगल होगा इनके बीच में एंगल क्या होगा 90 होगा क्योंकि नॉर्मल है एक ए ए क्रॉस सी सी और C के प्लेन का राइट right? फिर मैंने यहां पे ए क्रॉस सी के अंदर वो सेम प्रॉपर्टी लगा दी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इन एंगल बिटवीन ए एंड सी वो हमें गिवन है इसमें नहीं निकालना है वही निकालना है बस थीटा निकालना है ये वन हो गया बी फॉर्मला नहीं लगाया दोनों साइड का मॉड ले लिया ज्यादा इजी था क्योंकि एंगल्स की बात हो रही थी एंगल की बात है तो ए क्रॉस बी का मॉड लेने का फायदा है राइट वेक्टर फॉर्म से डॉट फॉर्म मिलाने का सॉरी फॉर्म मिलाने का फायदा है मॉडल देखो ए क्रॉस बी का क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का था ये सी द क्वेश्चन थर्टी मिनट्स गॉन सो क्वेश्चन देखते हैं जो आए थे दिस वाज अ क्वेश्चन दैट केम इन यू नो आई डोन्ट रिम्बर विच यू नो पेपर सेवन जनवरी एट्थ नाइन्थ वन ऑफ दी थ्री पेपर्स में से था ये सो so क्वेश्चन अभी जो हमने क्लास क्वेश्चन किया है उस तरह सही है देखो कैसे क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सर्च दैट मॉड ऑफ एक्वल टू रूट थ्री है ए का मॉडल्स की वन है मेमरीन कर लिया बी का भी मॉडल्स की वन है और सी का मॉडल्स नहीं की वन है उसकी जगह बी डॉट सी की वन है यहाँ से निकाल सकते होंगे आप राइट बाद में देखते हैं अभी बी और सी का एंगल नहीं पता हमें एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी पता है देखो एंगल बिटवीन तो ये मेरा आ गया ये हाफ है क्या हो गया मोड बी को रिप्लेस कर दिया फाइव मोड सी इक्व टू ट्वेंटी मोड सी इक्वल टू फोर ये लो जी आ गया मॉड सी भी तीनों वेक्टर के मॉडल है, है अब आगे देखें क्या है ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी ए ये की वन है हमें देन मॉड निकालना है इसका मेरे को बहुत इजी क्वेश्चन है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है अभी बताया था कि इस पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मुला मत लगाओ मॉडल्स की बात हो रही है मॉड ये कर लो एंगल्स वगैरह की बात है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी ए और बी क्रॉस सी में एंगल तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल गिवन है इनके बीच में ए और बी क्रॉस सी में तो सीधा 90 डाल दिया हमने ये क्या हो गया मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एंड वो गिवन है फाइव बाई थ्री ये वन हो गया ए बी सी के मॉड तीनों निकाल चुके हैं हम एक का मॉड है रूट थ्री एक का फाइव है एक का फोर है और ये रूट थ्री बाय टू है तो कैंसिल किया मैंने राइट right? तो ये टू हो गया टेन इंटू थ्री थर्टी हो गया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसका मॉड लेना था प्रॉपर्टी लगानी थी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की फिर दोबारा वो प्रॉपर्टी लगाई है मॉड ऑफ बी क्रॉस सी की ईजी था वैल्यूज रिप्लेस कर दी राइट right? तो आप देख सकते हैं कि पहले बी डॉट सी यूज़ करके मॉड सी की वैल्यू निकाल ली फिर मुझे ये था कि इसका मॉड निकालना तो सीधा फॉर्मला लगा दिया मॉड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मला लगा दिया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा वेरी डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन अभी ये भी हमने डिस्कस किया आज थ्योरी पढ़ते हुए क्या क्वेश्चन है वेक्टर ए गिवन है बी गिवन है और सी नहीं गिवन इसमें ध्यान दे सी गिवन नहीं है सी निकालना है मुझे सच दैट ये कंडीशन गिवन है अभी जो आर वाला क्वेश्चन किया था राइट आर माइनस बी जो भी था आर माइनस ए क्रॉस बी जीरो ये तो ये भी तो यही था आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी है हमें आर निकालना था इसमें हमने करा कैसे दिखा है हमने अभी पीछे पढ़ा है हमने इसमें सी निकालना है. बस ये फर्क है सी है आर की जगह बाकी सेम ही है देखो आप आर की जगह सी है सी निकालना है सेम क्वेश्चन है अभी पढ़ा है सी डॉट ए जीरो गिवन है मुझे सी निकालना है सी डॉट बी निकालना है तो मैं वही करूंगा जो पीछे अभी पढ़ा है हमने मैंने क्या करा है इसको बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस मुझे सी को बाहर खींचना है टेक डॉट वे दे टेक सॉरी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी को अलग करना है तीसरे को बीच में लाए A को बीच में लाए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मला बना लिया एक्सप्रेशन बना लिया फिर फॉर्मूला लगाया ए डॉट सी गिवन ए डॉट सी में जीरो है इंटू बी वैक्टर माइनस इन दोनों का डॉट ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर इक्वस टू ये मैंने सभी फॉर्मूला लगा लिया मॉडे स्क्वायर ए डॉट इज मॉडे स्क्वायर b बी माइनस इस पास वाले से डॉट लो ए डॉट बी इन अनदर बैटर ए तो यहाँ पे ए का डॉट दोनों से लेना है या, याद याद कर ही होगा आपने पहले ए का डॉट ए का डॉट पहले बी ए से लेना है फिर बाद में बी से लेना है तो ए डॉट ए हो गया बचा वो वेक्टर B B हुआ वेक्टर बी है फिर ए का पास वाले से डॉट लिया ए डॉट बी हुआ और वेक्टर बचा ए ऐसे लिखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला ये क्वेश्चन फिनिश हो गया इसके बाद सी वेक्टर आ गया पहले तो मेरा डिवाइड कर दिया मैंने मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ ए डॉट बी से यहाँ क्या बचा है मॉडे स्क्वायर बी तो मॉडे स्क्वायर को निकाल लेते हैं वहाँ से फोर प्लस वन सिक्स है सिक्स बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी क्या ए डॉट बी ए डॉट बी लेना है वो फोर है अब ये करने के बाद मुझे एक काम और भी करना है मुझे इसका डॉट बी से भी लेना है अभी लो बाद में लो मतलब कैसे भी लो ये आंसर निकालना है सिक्स है बी डॉट बी बी डॉट बी मॉट बी स्क्वायर माइनस फोर ए डॉट b डिवाइडेड बाय माइनस a डॉट b तो so, मुझे a डॉट b एक ही बार निकालना पड़ेगा a डॉट b निकाला भी था हमने अभी फोर था a डॉट b हमने a डॉट b निकाला था अभी फोर था तो सिक्स मॉट b स्क्वायर क्या है मॉड b स्क्वायर है थ्री सिक्स इंटू थ्री फोर इंटू ए डॉट बी फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर तो ये आता है एटीन माइनस सिक्सटीन टू डिवाइड बाई माइनस फोर माइनस हाफ आ गया तो वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है कुछ था नहीं इसमें तो ये जो c को सॉल्व करके निकाला सॉल्व फॉर वेक्टर c वो जो अभी हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट था तो फंडामेंटल अभी हमने एक घंटे में पढ़ा है हमने सारी सॉरी नाइन्टी मिनट्स में हमने चीज़ें पढ़ी हैं और वो उस पर अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व मस्त हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेरोपाइड विद क्वाटर मिनस एजेस क्वाटर मिनस मीन्स एडजस्टेंट एजेस हैं ये तीन पैरलो पाइप के एजेस हैं देखो अब एक यू वी एंड डब्ल्यू और वो वन क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम के माने में वॉल्यूम क्या होता है कि, कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इन तीन वेक्टर्स का वॉल्यूम क्या होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू वी डब्ल्यू ये है वॉल्यूम बाद में मॉड भी लगाना पड़ेगा इक्वल टू वन ये गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें इज एंगल बिटवीन एजिस यू देन डब्ल्यून थीटा इज़ कॉस थीटा निकालना है फिर थीटा इज एंगल बिटवीन यू एंड डब्ल्यू फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्वेश्चन भी किया था देखो ये फॉर्मुला है ये क्वेश्चन में आप कहेंगे हो जाएगा इसकी जरूरत क्या है जरूरत है क्योंकि यू और डब्ल्यू में देखेंगे इसके अंदर एक जगह अननोन कहीं लेमडा है लेमडा यहाँ निकालेंगे यू में तभी यहाँ पे काम आएगा लेमडा तभी ये निकाल पाएंगे तो कर लो बेशक इसको यू डॉट डब्ल्यू कर लो यू डॉट डब्ल्यू करेंगे तो लेमडा आर यू डॉट डब्ल्यू तो टू यू फिर जे का जे से डॉट लिया वन सॉरी नॉट यू यू टू टू और साथ में लेमडा फिर मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ यू में रूट सिक्स और मॉड ऑफ डब्ल्यू में है वन प्लस वन प्लस लेमडा स्क्वायर टू प्लस लेमडा स्क्वायर राइट ये है अब लेमडा चाहिए तभी तो मेरा कॉस थीटा आएगा या थीटा आएगा लेमडा चाहिए थीटा आएगा लेमडा चाहिए लेमडा के लिए ये मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडल लेना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉम्पोनेंट वाला फॉर्मला लगाना है एक बाहर मॉड है डिट्रमेंट वाला साइन है मोड बाद में लगाने के बाहर वाला तो मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कॉम्पोनेंट में यू के कॉम्पोनेंट फर्स्ट रो में वो है यू के कॉम्पोनेंट के हैं वन वन लेमडा वी के कॉम्पोनेंट वन वन थ्री डब्ल्यू के कॉम्पोनेंट टू वन वन ये मेरे को निकाल के इसका मॉड लेके वन के इक्वल करना है तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज आ जाएंगी राइट क्योंकि मुझे वॉल्यूम की वन है वन है और वॉल्यूम क्या होता है स्केलेट वो होता है स्केलेर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो कैसे आएगा वो डिटर्मिनेंट का फॉर्म लगा के कॉम्पोनेट फॉर्म में अगर आप फर्स्ट रो से इसको वैल्यूएट कर दोगे तो ये आ जाएगा वन टाइम्स वन इंटू माइनस थ्री माइनस टू हो गया फिर माइनस वन ये आ जाएगा वन माइनस वन और माइनस सिक्स माइनस फाइव और लेमडा टाइम्स माइनस वन माइनस टू माइनस वन का मॉड इक्व मॉड जरूरी है इसमें ये हो गया प्लस फाइव थ्री माइनस लेमडा मॉड इक्वस टू वन इक्व टू प्लस माइनस कर देते ही स्टेप में थ्री माइनस लेमडा प्लस माइनस वन थ्री माइनस लेमडा को वन के इक्वल करेंगे तो लेमडा टू आ गया लेमडा टू थ्री माइनस लेमडा को माइनस वन के इक्वल करेंगे तो लेमडा फोर है तो वैल्यू लेमडा क्या आई है अब दोनों से आंसर निकालेंगे तो एक से आंसर मैच नहीं करता एक से फाइव बाई सिक्स आंसर आता है मैच नहीं करता दूसरे से आता है लेमडा फोर से आंसर लेमडा फोर से आंसर आता है फोर रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में सेवन ये रूट सिक्स है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टू एटीन है ये और सिंपलीफाई कर लिया ये थ्री रूट टू है रूट सिक्स इंटू थ्री रूट टू सेवन इसमें से रूट टू अलग कर लिया टू आ गया सिक्स रूट थ्री सेवन डिवाइड बाई सिक्स रूट थ्री राइट तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था फॉर्मूला लगाया एक तो वॉल्यूम पैरलो पाइप का या स्केलेटर प्रोडक्ट का कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट और साथ में हमने एक दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात करिए वर ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है जिस पेपर में आया था ये भी हमने चीजें अभी पढ़ी हैं कैसे आज ये पढ़ाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो है अभी बताया था मॉड भी जीरो होगा इसका क्वेश्चन है क्या ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट उनका सम जीरो है तो जब भी एक तो ट्राइंगल बनता है ध्यान रखना तीन वेक्टर्स ए है बी है और सी ये तीनों का सम जीरो है तो सम जीरो होने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का तो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हम उस तरह से करने की जरूरत नहीं हमें क्योंकि हम इस तरह से कर रहे हैं इसको राइट सॉरी जीरो हो गया तो उनका स्क्वायर कर रहा है इससे पहले भी हमने पढ़ा भी था मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये बना इक्वल टू जीरो ये तीनों वन हो गए थ्री ये टू है और ये क्वेश्चन में तो दिया है लेमडा लिखा है यहाँ पे देखो ये लेमडा है इफ लेमडा इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस लेमडा और डी दोनों निकालने तो ये तो लेमडा आ गया यहाँ से माइनस थ्री बाय टू इस तरफ जो भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन किया था वो यूज करके ले, अब चॉइस इन दोनों में से एक होगी लेमडा माइनस थ्री बाई टू आ गया अब मुझे देखना है देखो अब ध्यान से है कि डी क्या है ये मेरा एक क्रॉस बी है और ये जो बी क्रॉस सी है यहाँ देखो आप ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ये होगा तीनों सेम होंगे क्योंकि तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं, यहाँ राइट ए क्रॉस मतलब आप देखो कि ए क्रॉस बी अगर देखेंगे यहाँ पे तो दूसरी तरह से देख सकते हैं ट्राइंगल से वैसे दिख रहा है ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस से होंगे ऐसे भी देख सकते हो आप कि ये क्या होगा ये क्या है ये कॉस्ट इनका मॉडल सेम है डायरेक्शन तो सेम ही होगी आउटवर्ड नॉर्मल वेटर है एक क्रॉस भी करो आप क्या हो रहा है इसको एक्सटेंड करके देखो अभी यहाँ मैं यहाँ कर लेता हूँ दो तरह से देख लेते हैं ये है ये वेक्टर ए है ये बी है राइट ये सी ट्रायंगल बना रहे हैं तो उनका सन जीरो है तो ऐसे आएगा तो ये मेरा ए को एक्सटेंड कर दिया मैंने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड नॉर्मल ए से बी की तरफ फिंगर्स को फोल्ड किया ए सब बी की तरफ बी क्रॉस सी करेंगे वही डायरेक्शन आउटवर्ड ऊपर की तरफ है सी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन वही सबके तीनों की डायरेक्शन सेम है मॉडल्स देख लेता हूँ मैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इसका साइन साइन थीटा होगा और अब देखो ट्राइंगल ये इक्वलेटल है तीनों की साइड लेंथ वन है मॉड तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों इक्वलेटल ट्राइंगल है ये तो ये क्या हो गया ये भी वन है ईच इज़ इक्वल टू यू नो साइन तीनों का अगर तीनों का मॉड चेक करेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बी आपका साइन पाई बाय थ्री है रूट थ्री बाई टू है मॉड ऑफ बी क्रॉस सी बी मॉड बी मॉड सी वन वन इंटू साइन सिक्सटी डिग्री एंगल है रूट थ्री बाई टू मॉडलिस भी तीनों के सेम है डायरेक्शन भी सेम है तीनों इक्वल होंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस सी होगा या फिर ऐसे देख सकते हो आप आपने B क्रॉस सी देखना है B क्रॉस C क्या है मैंने B को सेम रखा C की वैल्यू डाल दी माइनस ए माइनस बी क्योंकि ए प्लस ई प्लस से जीरो है वहां सी वेक्टर क्या है माइनस ए माइनस बी आगे बढ़ा मैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है ये और ये बी क्रॉस भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दो दो वेक्टर बी क्रॉस बी जीरो बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा ये क्या हुआ ए क्रॉस बी आ गया देखो बी क्रॉस इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया सेम वे आप अगर सी क्रॉसे से स्टार्ट करेंगे और सी की वैल्यू डालेंगे माइनस ए माइनस बी क्रॉस ए ए क्रॉस ए जीरो इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस है विच इज सेम एस ए क्रॉस बी इसको रिवर्स किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो तीनों एक क्रॉस बी के इक्वल है बी क्रॉस एक cross बी के इक्वल है सी क्रॉस एक cross बी के इक्वल है एक क्रॉस बी खुद है तो वापस जाके देखते हैं तो ये क्या हुआ डी क्या है मेरा तीनों A cross बी है A क्रॉस बी A cross बी A क्रॉस बी थ्री टाइम्स A क्रॉस बी हो गया तो ये सी थर्ड चॉइस मैच कर गए राइट right? तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था लेकिन तब भी इतना डिफिकल्ट नहीं था पहले तीन ज्यादा ईजी थे तो ये करना था हमें जो ये हमने पहले पढ़ा था वो था उससे लेमडा के बारे में इंफॉर्मेशन आती है लेकिन हमें डी के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए जो हमने दो तरह से समझाया डी के बारे में कैसे कर सकते हैं या मैथड कैन बी सम अदर मैथड ऑल्सो सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन दैट केम इसमें अ वेक्टर दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी एक तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आप देखो लिखा है ए बी सी को प्लिनर है क्योंकि ए बी और सी के प्लेन में लाइक कर रहा है तो आप बोलेंगे कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है ये करेंगे आप सोचेंगे कोई इन्फॉर्मेशन निकलेगी ए मतलब यहाँ पे अल्फ़ा टू बीटा बी मतलब वन वन ज़ीरो सी मतलब वन माइनस वन फोर इसको जीरो करके अल्फ़ा बीटा में इक्वेशन आ जाती है वो में ज़रूरत नहीं है काम ही नहीं आ रही वो इक्वेशन इन अल्फाइन बीटा वो हमें चाहिए नहीं तो आप कर लेना हमें चाहिए नहीं क्वेश्चन में काम ही नहीं आता ये काम आएगा इफ़ ए बाइसेक्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी तो पढ़ा है अभी बाइसेक्टर का ए बाइसेक्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी तो ए क्या है मेरा लेमडा टाइम्स बी कैप प्लस माइनस ये इसमें गलती होगी कि माइनस से आंसर आता है प्लस से नहीं आ रहा है इसके अंदर प्लस माइनस दोनों लेने हैं इसमें दोनों लेने हैं कि माइनस से आंसर आता है प्लस से नहीं एंगल बाइसेकटर अभी देखा था हमने डायरेक्शन को ऐड करना है प्लस करेंगे तो एक बार बाटर आता है माइनस करेंगे दूसरा बार बासेट्टर आता है ये बाहर लेमडा क्योंकि लेंथ नहीं पता हमें ये करना है हमें तो यहाँ पे मेरे को मैं लेमडा थोड़ी कैलकुलेशन है ज़्यादा नहीं बी कैप क्या है मेरा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू मॉडलस डिवाइड कर दिया प्लस माइनस सी कैप क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप डिवाइडेड बाय लेंथ क्या हो गई रूट एटीन रूट एटीन को लिख सकता हूँ मैं थ्री रूट टू राइट या ए वेक्टर आगे बढ़ते हैं ए को भी रिप्लेस कर देते हैं ए क्या है मेरा अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस बीटा के कैप से इक्वेट करने हैं मुझे राइट इक्वल टू लेमडा टाइम्स अब यहाँ मैंने एल लिया नीचे थ्री रूट टू आ गया बाहर एल लिया तो थ्री से मल्टीप्लाई किया इसको थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस माइनस आई माइनस जे प्लस फोर के देखो आप ये तो यहाँ से दो में स्प्लिट करना पड़ेगा एक है यहाँ पे अल्फ़ा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस बीटा के कैप को इक्वेट किया लैमडा बाय थ्री रूट टू और यहाँ पे आएगा प्लस साइन ले रहा हूँ मैं तो फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस साइन लिया फोर के कैप ये मुझे ये इक्वेट करके मैं अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा मेरा राइट अब मेरा अल्फा बीटा ऐसे भी आ सकता है अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस बीटा के कैप इक्वल टू तो लेमडा बाय थ्री रूट टू माइनस साइन लेना है अगर ऊपर माइनस साइन लेंगे यहाँ पे देखो माइनस साइन मुझे लेके कैलकुलेशन करनी है तो थ्री आई माइनस आई हो गया टू आई कैप जे को सेपरेट करूँगा तो फोर जे के हो गया और माइनस फोर के कैप हो गया ये अब दोनों से मुझे अल्फा बीटा निकालना है एक से आंसर मैच करता है तो पहले तो मेरा लेमडा यहाँ से आ जाएगा जब मैं को जे के कंपेयर कर रहा हूँ जे कैप ऐप यहाँ टू है और जे कैप यहाँ पे है टू लेमडा डिवाइड बाय थ्री रूट टू कैंसिल होकर लेमडा थ्री रूट टू आ गया फिर मैंने अल्फा आई के पर कोविशेंट इक्वेट किया लैंडा थ्री रूट टू तो कैंसिल ही हो गया देखो लेमडा को थ्री टू रिप्लेस कर दिया तो गया काम से तो अल्फा फोर है कोविशेंट ऑफ आई के कंपेयर किया और बीटा फोर है कोविशेंट ऑफ जे केफ कंपेयर किया अल्फ़ा फोर बीटा फोर निकालना क्या है इसमें चॉइसिस भी अभी चेंज करके देख लेते हैं ये तो मेरा ए का के से डॉट लेना है तो ये है बीटा बीटा प्लस फोर इक्ल टू ज़ीरो चॉइस है ये है बीटा प्लस टू इक्ल टू ज़ीरो चॉइस है अल्फा प्लस थ्री टू जीरो चॉइस है अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो चॉवाइस है अभी देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है चारों में से तो अभी तो जो अल्फा फोर बीटा फोर आया है वो तो नहीं नेगेटिव चाहिए हमें जीरो कैसे होगा बीटा फोर नहीं सेटिस्फाई कर रहा अल्फा फोर भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा किस चॉइस से यहां से आंसर आता है माइनस साइन से जो मैं कह रहा था आपको यहाँ भी मैं को ये कंपेयर करूंगा टू को इक्वेट करूंगा के क्या कोविशन इक्वेट कर रहा हूं यहाँ से फोर लेमडा डिवाइड बाई थ्री रूट टू तो यहाँ से लेमडा मेरा आता है लेमडा uh, यहाँ पे आ रहा है मेरा या थ्री रूट टू बाई टू आता है लेमडा ये आ रहा है लेमडा राइट अब मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा थ्री रूट टू बाई टू यहाँ से हाफ आ रहा है लेमडा ये ये हाफ आ गया राइट दिस इज हाफ मैंने इक्वेट किया अल्फा क्या आ गया मेरा वन आ रहा है इक्वेट करके कोविशन ऑफ आई कैप कोविशन ऑफ के कैप इक्वेट किया तो बीटा मेरा माइनस टू आ रहा है बीटा माइनस टू ये हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस फोर से तो माइनस टू बन रहा है बीटा माइनस टू ये बीटा माइनस टू सेटिसफाई करके देखो इसको सेकंड चॉइस को बीटा माइनस टू सेटिसफाई कर रहा है तो ये एक ही बस रिजल्ट ये तो यूज ही नहीं हुआ आप देखो कहाँ काम आया है करा भी नहीं था हमने क्वेश्चन हो गया हमारा मैं तो सिर्फ हमने ये कंडीशन डाली है सिर्फ इससे हमारा काम बन रहा है ये इक्वेट करके क्वेश्चन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप इक्वेट करने ये कौन सा वेक्टर का मुश्किल कॉन्प्ट है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है अभी पढ़े हमने देखो डेढ़ घंटे में सब पढ़ लिया और क्वेश्चन सारे हो रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन था सिक्स क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन छह पेपर थे छह क्वेश्चन है तो इसमें एक फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं काम आता है ए डॉट बी का स्क्वायर रिजल्ट ये प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉडे स्क्वायर नहीं भी है उससे भी काम हो जाएगा बट ये फॉर्मरा है ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ये रिजल्ट है अब मुझे इफ दि, दि, दिस दिस वेक्टर दिस वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कोप्लेनर पहले तो तीन वैक्टर कोप्लेनर है यहाँ ए A प्लस वन ए ए कोप्लेनर को वेक्टर वैक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा इन तीनों हो का पी क्यू आर का स्केलेटर पर प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि तीनों सेम प्लेन में है नहीं बना पाएंगे वॉल्यूम जीरो हो गया स्केलेटर प्रोडक्ट जीरो हो गया ए के कॉम पी के कॉम्पोनेंट क्यू के कॉम्पोनेंट ए प्लस वन ए आर के कॉम्पोनेंट ए प्लस वन ये जीरो कर दिया मैंने अब इसको सीधा भी एवेल्यूट कर सकते हैं इसको चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो राइट कि प्रॉपर्टीज़ लगा के डिटर्मिनेंट की तो यह सीधा भी कर सकते हैं जो भी आपको मतलब थोड़ी कैलकुलेशन का फ़र्क़ पड़ता है यह आएगा ए प्लस वन या प्रॉपर्टी लगा लेते हैं थोड़ा शायद बेटर ही रहेगा राइट रहे रहे कि मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा ली कि मैंने आर वन को चेंज कर दिया आर वन माइनस आर टू राइट तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा आता होगा आपको तो पूरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट कि मैंने रो वन को चेंज किया क्या करा है रो वन में प्लग इन कर दिया पुट कर दिया आर वन माइनस आर टू इन दोनों को माइनस करके रो वन में रख दिया इसको इससे माइनस करेंगे वन है इसको से माइनस करेंगे माइनस वन है और ये ज़ीरो है ए तो ये प्रॉपर्टी फिर ये एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं आर टू को भी इससे चेंज किया आर टू माइनस आर थ्री उसको भी ऐसे चेंज कर लिया ये ज़ीरो आ गया ये माइनस वन आ गया सॉरी वन आ गया ये और ये आपका माइनस वन आ गया तो सिंप्लीफाई हो गया वैल्युएट करना ई ज्यादा टाइम मत करो सिंप्लीफाई करने में अभी इन दोनों को ऐड करके जीरो बना सकते हो वो सीधा प्रॉपर्टी लगा लो इतना फर्क नहीं है राइट मैंने फर्स्ट रो से वैलुएट कर लिया वन इन इट्स इट को फैक्टर ए प्लस वन प्लस ए टू ए प्लस वन एंड देन प्लस वन उसका को फैक्टर ये जीरो हो गया प्लस ए हो गया इक्वल टू जीरो तो ये आ रहा है थ्री ए आ आ गया, ये आ गया, ये ये देखो, तो ये p q इसको मैं जो क्रॉस है आर क्रॉस क्यू से चेंज कर रहा हूं दूसरे फॉर्म में जो मैंने ये रिजल्ट यूज करके आर क्रॉस क्यू का square, इसको, इसको मैं लिख रहा हूँ मॉड आर स्क्वायर मोड क्यू स्क् माइनस आर डॉट क्यू का स्क्वायर ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया मैंने ये था इक्वल टू जीरो लेमडा निकालना है इससे मुझे तो मुझे क्या चाहिए पहले पी डॉट क्यू चाहिए पी डॉट क्यू निकाल लेते हैं p और क्यू का डॉट लेना है p और क्यू का डॉट लेंगे तो क्या आएगा ए इंटू ए प्लस वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन प्लस ए स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए ये है और थ्री एक एक को रिप्लेस कर दो माइनस वन बाय थ्री निकाला आपने थ्री बाय नाइन प्लस टू बाय माइनस थ्री एल सी एम आ गया यहाँ से आ, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो नाइन से एल सी एम ले लिया मैंने तो ये थ्री और ये थ्री ये माइनस सिक्स माइनस वन बाय थ्री आ गया ये आ गया पी डॉट क्यों आ गया ये तुमने प्लग इन कर देंगे यहाँ पर राइट right, यहाँ पे अब मुझे ये मोड आर पता है मोड क्यों पता है मोड आर भी देख लेते हैं क्या है मोड आर स्क्वायर चाहिए तो मोड आर था मेरा आ, ये, ये था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का स्क्वायर राइट right? ये है मेरा ए स्क्वायर क्या है वन बाय नाइन क्योंकि ए माइनस वन बाय थ्री है ये भी वन बाय नाइन है ए प्लस वन क्या है टू बाय थ्री फोर बाय नाइन है ये तो सिक्स बाय नाइन हो गया टू बाय थ्री हो गया और सिमेट्री से देख सकते हैं मॉड पी भी सेम होगा मॉड क्यू भी सेम होगा सॉरी मॉड क्यू स्क्वायर भी सेम है दोनों सेम ही है क्योंकि सारे कोपेशन सेम ही है तो आगे पीछे ऑर्डर चेंज किया है क्यू में भी एक ए है एक ए है एक ए प्लस वन है तो मॉड सेम होगा अब मुझे लास्ट चीज निकालनी है आर डॉट क्यू सॉरी पीछे दिखा नहीं होगा आपको ये देखो ऐसे वैल्यू रिप्लेस करिए आर डॉट क्यू निकालना है आर और डॉट का क्यू लेना है आर डॉट क्यू तो पी डॉट क्यू की इक्वली आएगा देखो सेम ही तो था वो कर लेते हैं वैसे आर डॉट क्यू में भी सेम ही बनेगा या yeah, एक ए स्क्वायर की टर्म आ रही है एक आ रही है ए इंटू ए प्लस वन और एक आ रही है ए प्लस ए इंटू ए प्लस वन अगेन ये सेम ही आएगा जो पहले आया था एक सेम एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई थी हमारी पहले वन टू बाय थ्री वन बाय थ्री या पी डॉट क्यू निकाला तो वही पी डॉट क्यून माइनस वन बाय थ्री आया था ये प्लग इन करना है मुझे ये प्लग इन करना है और मुझे ये प्लग इन करना है तो उससे बस आंसर आ जाएगा प्लग इन करना कर लेते हैं कर... आप कर अब मुझे ये चाहिए पीडॉट क्यू निकाला है मैंने माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर पीडॉट क्यू का स्क्वायर नहीं है एक मिनट क्या था क्वेश्चन में स्क्वायर है सॉरी ये मैंने स्क्वायर नहीं करा स्क्वायर भी था थ्री टाइम्स पीडोट क्यू का स्क्वायर थ्री टाइम्स वन बाय नाइन राइट माइनस लेमडा टाइम्स अब मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ क्यू है मॉड ऑफ आर Uh, अभी निकाला टू बाय थ्री मॉड ऑफ क्यू टू बाय थ्री माइनस आर डॉट क्यू माइनस वन बाय नाइन हो गया स्क्वायर था उसका वन बाय नाइन ये है इक्वल टू जीरो तो कैलकुलेशन आई है इसमें अगर हम 3 थ्री बाई वन बाय थ्री या वन बाई नाइन थ्री बाय नाइन ही रहने देते हैं इक्वल टू लेमडा टाइम्स ये है फोर बाय नाइन माइनस वन बाय नाइन राइट थ्री बाई वन बाय थ्री इक्ल टू लेमडा ये भी वन बाय थ्री है लेमडा वन आ गया ए आंसर है देखो तो ये क्वेश्चन में कॉन्सर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं थी टाइम लगा देखो कैलकुलेशन थी बाकी क्वेश्चनों से तो मैंने ऑर्डर में लगाए थे पहले तीन क्वेश्चन इजी थे फिर तीन क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ये थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहा है तो देखो मतलब जितना मैं करा सकता था बेटर में मैंने रिवाइज़ करा दिया तो दैट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड इफ यू आर स्टिल इन द क्लास यू आर स्टिल लिसनिंग वॉट आई एम टीचिंग हेयर The, the questions solving, and if you are satisfied, you know, make sure you like it and give comments. Thank you so much.